वेलकम। ओम शांति। देखिए कैसे सारी सभा भरी हुई है, सब इंतजार हाँ कर हाँ रहे हैं बहुत अच्छा। आज का इतना सुंदर अलग प्रकार का जो कार्यक्रम होने वाला है, इसके लिए सब बेताब है। तो अच्छा सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर जयंत भाई जी से मैं अनुरोध करूंगा, आज ये हाँ जो ब्रह्मा कुमारी करेली बाग और आर्ट एंड कल्चर विंग के सहयोग से जो बिल्कुल भिन्न प्रकार का कार्यक्रम आज जो होने वाला है, तो आप सभी का स्वागत हमारे डॉक्टर जयंत भाई जी करें। डॉक्टर साहब ओम शांति। ओम शांति। वेलकम वेलकम सबको वेलकम। हमारे कुसुम बेन आज दूर देश से पधारे हैं, इसलिए बहुत खुशी है जो उन्हें के चेयरमैनशिप के अंदर ये आज सारा कार्यक्रम अलौकिक और कहें के कोरोना में भी हमको इकट्ठा करने वाले उनको बहुत 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 स्वागत है और मुबारक है। मुबारक है। इनके साथ हमारे सतीश भाई भी पधारे हैं और जी बड़े बड़ी खुशी की बात है जो आप भी टाइम पर पहुंच गए हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। साथ थैंक यू डॉक्टर साहब। साथ में ये कुसुम दीदी है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आर्ट एंड कल्चर विंग के वाइस चेयरपर्सन हमारे आदरणीय कुसुम दीदी चंद्रपुर से। उनका तो स्वागत। हाँ ये तो आ गए। वेलकम भी कर दिया है। पहले भी आए थे बहुत दूर से। सुनाई देता है? नहीं हाँ अभी सुनाई सुनाई देता। देता है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से, तो ऑन बिहाफ ऑफ हिम मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नाम सहित आप स्वागत हमारा स्वीकार करें। और दीदी मैं कहना चाहूंगा, इस सभा में अमेरिका और कनाडा से भी भाई बहने जुड़े हैं कुसुम दीदी जी। तो और सिर्फ बड़ौदा ही नहीं, लेकिन भारतवर्ष के कई स्थानों से, खासकर कानपुर, दिल्ली, मुंबई और गांधीनगर, संखेड़ा एक छोटा स्थान है बड़ौदा से नजदीक से, अहमदाबाद से हमारे हेमंत भाई, और कई स्थानों से अस्मिता बेन जी भी पधार चुके। अस्मिता बेन का भी बहुत बहुत स्वागत है कल कोलकाता से, और कोलकाता से सैन गुप्ता जी भी है। तो बहुत सारे भाई बहने, आप नाम सहित आप स्वागत हमारा स्वीकार करें। और आज ये जो प्रोग्राम होने वाला है भाई और बहनों, ये कुछ अलग प्रकार का है। गीतों की बारात सतीश चंद्र सरल जी के साथ, ये कोई कम बात नहीं होती है। साथियों के 6,000 से ज्यादा गाने एक व्यक्ति लिखे, और उसमें से भी मोर देन 600 गाने तो ऑफिशियली रिकॉर्ड हुए हैं। और एक एक गानों में क्या असर है वो तो आप सुनते हैं, आपको पता है। और आज बहुत खुशी की बात है कि शब्द सुर और संगीत का समन्वय है। शब्द सतीश भाई के, तो सुर हमारी अस्मिता बहन जी देती है, तो संगीत देने के कार्य में कुशल ऐसे हमारे हेमंत आचार्य जी भी इस सभा में शामिल है। तो बड़ा ही अच्छा सुनहरा त्रिवेणी संगम है। तो हमारे बड़े विंग के बड़े कुसुम दीदी जी भी इस सभा में शामिल है। तो बहुत सुंदर ये कार्यक्रम आज होने वाला है। और क्यों ये कार्यक्रम की रचना हुई, क्योंकि जब भी हम मिलते हैं तो एक एक गीतों की जब बातें निकलती है तो बड़ी निराली उसकी कहानी होती है। तो वो बातें सुनने को बनती है, बड़ा आनंद आता है। और फिर जब उन गीतों को सुनते हैं, गीत पहले भी सुने हुए होते हैं, लेकिन जब उसकी कहानियां सुनते हैं किस तरह से इस गीत की रचना हुई, तो बड़ा आनंद आता है। तो जो भाई बहन है जो डायरेक्ट आर्ट एंड कल्चर विंग से नहीं जुड़े हैं या तो इस रीति से नहीं जुड़े हैं, वो सतीश भाई को जानते हैं। वो इस रीति से जानते हैं कि सतीश भाई एक जो हमारा मधुरवाणी ग्रुप है, उस ग्रुप में वो गाते हैं, गाने लिखते हैं और उनके गाने सुनते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपकी जो पहली पहचान है वो ये कहूंगा कि आप एक राजयोगी है। और राजयोगी होने के नाते फिर आपने अपने आप को प्रैक्टिकल राज ऋषि भी बनाया है, तो कहेंगे आप राज ऋषि है। और ये दोनों होने के बाद फिर मैं कहूंगा आप राज कवि है।
ज्ञान और योग का बैलेंस आपने बहुत बराबर रखा हुआ है, तो सेवा धारणा में तो आप शिरोमणि है ही है। भाई और बहनों, अमृत वेले का योग हमारे सतीश भाई कभी मिस नहीं करते हैं, और गीतों की 24-25 डायरियां आपने भरी हुई है, और एक एक में क्या उसके नाम जो दिए हैं आपने वो भी क्या खूब है। कोई डायरी का नाम है गीत गंगा, तो कोई गीत सरिता, कोई गीत आंगन, तो कोई गीतोदवी, तो कोई गीत अंतरिक्ष है, और उन एक एक डायरियों में 175 से 225 भाइयों बहनों गाने लिखे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है आपकी कि स्वयं भगवान और दादियों के सामने आप गीत गाते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। और इससे आगे भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो आदरणीय जगदीश भाई जी थे, वो जगदीश भाई कहा करते थे चार गीतों की बात, कि चार गाने जो है वो हर रोज हर ब्राह्मण आत्मा को सुनने चाहिए, और वो चार गानों में से तीन गाने जो है वो हमारे सतीश भाई के लिखे हुए हैं, और एक एक गाने वो आप सुनो तो इतना आनंद आता है, क्योंकि स्वयं जगदीश भाई इसको बहुत पसंद करते थे। तुमसा हसी कोई नहीं, तुमसा हसीन कोई नहीं बाबा, भगवान हमारा साथी है, सुरेश वाडकर साहब ने गाया, और तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, महेंद्र कपूर साहब ने इन गीतों को गाया है। तो हे ज्ञान मार्ग के राहियो, इतना ही नहीं, भारत माता की महिमा में खुशी से गाए जाना वाला जो गीत है, भारत फिर भरपूर बनेगा, इसके भी आप रचयिता है, हर जगह पे ये गीत बहुत खुशी से गाया जाता। तो फिर साथ में ये कहूंगा, क्या उन्होंने यूथ के लिए कुछ नहीं लिखा है क्या? अरे ये कैसे हो सकता है कि गीत के उन्होंने यूथ के लिए ना लिखा हो, तो यूथ के लिए उन्होंने बहुत सुंदर कुछ गाने लिखे, देखना जो चाहते हो इनकी उड़ान को तो करना पड़ेगा और ऊंचा आसमान को, ये थोड़ी सोच तो देखिए इस गीत में क्या सोच है, देखना जो चाहते हो इनकी उड़ान को तो करना पड़ेगा और ऊंचा आसमान को। और सुरेश वाडकर जी का दूसरा एक गीत फिर गाया है, हिम्मत ना हारिए विजय का नाद लीजिए, तो साथ साथ आपने ब्रह्मा बाबा के ऊपर भी कई गाने लिखे है, दादी प्रकाशमणि को जो आप ब्रह्मा बाबा के ऊपर गाने लिखे बहुत अच्छे लगते थे। और साथ साथ मुझे पुरानी बात याद आ रही है, मेडिटेशन 7 नाम का एल्बम जब निकला तो वो एल्बम जो है भाई और बहनों बहुत मशहूर हुआ, और उसके एक एक गीत आप सुने, आप सबने सुने हुए हैं, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, वो अनूप जलोटा जी ने गाया, हमको मिली ऐसी खुशी पंकज उदास ने गाया, और मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती कुमार सानू साहब ने गाया। एक एक गीतों की रचना आप देखे तो पता पड़े किस तरह की रचना उस प्रभु पिता ने आप द्वारा करवाई है। तो आज ऐसे महान गीतों की रचनाकार जिसको कहे, ऐसे गीतकार की कुछ बातें हमको जानने को मिलेगी, कैसे उन गीतों की रचना हुई, कई सारी बातें जो इतिहास में दबी हुई है वो आज निकलेगी, और उन्हीं के सम्मुख उन्हीं के मुख से हम आज सुनेंगे। ये सुवर्ण अवसर, ये सुवर्ण मौका आज हम सभी भाई बहनों के पास है, तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे प्यारे सतीश भाई जी को कि सतीश भाई आप कुछ इन गीतों के ऊपर प्रकाश डाले। सतीश भाई नमस्ते, सभी भाई बहनों को और मेरे अपने स्वजन जितने भी हैं, आज मैं कोई संबोधन विशेष टाइटल नहीं देना चाहता हूं, लेकिन सबसे मेरे दिल अजीज और जो बड़े दिल के करीब हैं हमारी सभी भाई बहनें, नाम सहित अगर मैं कहूं तो डॉक्टर साहब जयंत, डॉक्टर जयंत जी, चंपा माता जी बड़े ध्यान से सुन रही हैं, हमारी दीदी कुसुम दीदी और कल्चरल विंग के सभी भाई बहने, हमारे हेमंत भाई, अस्मिता बहन जी, माता श्री और सरोजनी बहन जी, और शायद राजेंद्र गोपाल व्यास जी भी जुड़ गए होंगे, आप सबका मैं सबका नाम सहित मैं अभिनंदन करता हूँ, सबने याद किया है और आज अच्छा है ये मौका मिला है कि हम सब गीतों की थोड़ी चर्चा कर लें। सच पूछा जाए तो ये सब प्यारे बाबा की देन है, जिसने ये मुकाम दिया है, जो रचनाएं रची हैं सब उसकी रचना है, मैं
इसको कैसे अपना कह दूं। आज मैं यही सोच रहा था कि ये पुष्पहार उपहार प्यार सौगात ये देन तुम्हारी है, इसको अपना कैसे कह दूं। प्रभु ये तो दया तुम्हारी है, प्रभु ये तो कृपा तुम्हारी है। ये दौलत शोहरत जो भी मिली, ये दौलत शोहरत जो भी मिली, ये तेरी ही बदौलत सारी है। ये मान शान सम्मान ज्ञान प्रभु सारी कृपा तुम्हारी है, सुख संपदा तुम्हारी है। और अनुकंपा एक अकिंचन पर जो हम पर दया विचारी है, अनुकंपा एक अकिंचन पर जो हम पर दया विचारी है, प्रभु हृदय से अनगिन धन्यवाद, प्रभु हृदय से अनगिन धन्यवाद। सारी सृष्टि आभारी है, सारी सृष्टि आभारी है। ये पुष्पहार ये उपहार प्यार सौगात ये देन तुम्हारी है, इसको अपना कैसे कह दूं। प्रभु ये तो कृपा तुम्हारी है, प्रभु ये तो कृपा तुम्हारी है। जी मिनेश भाई, सतीश भाई, कोई भी तारीफ आप अपने ऊपर नहीं लेते और यही तो आपकी विशेषता है। तो आज ये सतीश भाई हम जानना चाहते हैं कि ये जो गीतों का सफर है, सफरनामा है, तो क्या आप ज्ञान मार्ग में आने से पहले भी गीतों की रचना करते थे, गीत लिखते थे आप? बहुत अच्छी बात कही। कई भाई बहनों के अंदर उत्सुकता होती है इसको जानने का। मैं आपको सच बताऊं कि बिना संस्कारों के कहीं पर ये संयोग बनता नहीं है। कुछ संचित पुण्य रहे हैं और कुछ सबका सहयोग रहा है, सबका सहयोग रहा है। और सच पूछो तो सबसे बड़ी दुआएं हैं, और हमारी आदरणीय दादियों ने, हमारे वरिष्ठ भाई बहनों ने और पूरे ईश्वरीय परिवार ने जो भी सहयोग दिया है, मैं नहीं कहता हूँ, वो सब उनके सहयोग की ही बदौलत है। और मैं एक एक करके सभी हमारी यादों के पर्दे पर सामने आ रहे हैं, जिन्होंने मुझे मुकाम दिया है, जिन्होंने मुझे ये सौगात दी है, मैं सबको याद कर रहा हूँ। और सच्चे मन से, सच्चे दिल से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब उनकी बदौलत। बहुत खूब सतीश भाई, मुझे अभी एक बात याद आ रही है। जब पिछले साल दादी जानकी जी हैदराबाद आए थे प्रोग्राम में, और प्रोग्राम शुरू हुआ और तुरंत आप दादी ने पूछा कुलदीप दीदी से कि कुलदीप मधुरवाणी ग्रुप कहाँ है। कुसुम दीदी जी, खास मैं आपको सुना रहा हूँ, आपको खुशी होगी ये बात सुन करके। तो दादी जानकी ने पूछा, स्टेज के ऊपर ही पूछा कि भाई मधुरवाणी ग्रुप कहाँ है। तो कुलदीप दीदी ने जवाब दिया कि मधुरवाणी ग्रुप को नहीं बुलाया है। तो लाखों रुपए का खर्चा उस प्रोग्राम में किया था, दादी ने कह दिया मधुरवाणी ग्रुप नहीं है तो वो कार्यक्रम कार्यक्रम ही क्या है, ये दादी के शब्द थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मधुरवाणी ग्रुप का मतलब होता है सतीश भाई, साथी जरूर होते हैं, साथियों का अपना साथ है, लेकिन क्योंकि मुख्य रूप से सतीश भाई की हाजिरी होती है, तो इस तरह से दादी के दिल पर आप चढ़े हुए थे और सभा में कह दिया कि जब मधुरवाणी ग्रुप नहीं। इसमें कई भाई बहने हैं जो उस वक्त सभा में शामिल थे, वहां सेवा में गए हुए थे, तो उन सभी ने ये बात सुनी थी कि भाई मधुरवाणी ग्रुप नहीं तो वो प्रोग्राम प्रोग्राम नहीं होता है, कितनी ये बड़ी बात है। और ये जो आप गीत लिखते हैं सतीश भाई, तो ये लाल कृष्ण अडवाणी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब सुनाया तो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गए थे, बड़े ही भाव विभोर वो लोग हो गए थे। और दूसरा मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा सतीश भाई कि आपकी यात्रा में आप इस वक्त जो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो ये यात्रा शुरू कैसे हुई, गीत लिखने का सफरनामा कैसे शुरू हुआ आपका? बहुत अच्छा प्रश्न है मिनीश भाई, और सबको मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मधुबन में आने से पहले स्कूल की एक्टिविटीज में मैं भाग लेता था, तो अक्सर करके कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेता था। और मुझे संयोग से अपने
पिताजी हमारे स्कूल के प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे और हमारी माताजी भी पढ़ाती थी, हमारी सब बहनें पढ़ाती थी, हमारे भाई भी पढ़ाते थे और हम पढ़ते थे। तो पूरा मुंशी जी का परिवार था और पढ़ने में बहुत ज्यादा, लिखने में विश्वास था सबका और शौक भी था। मुझे बचपन में ही हेडमास्टर साहब के बच्चे होने के कारण जितने भी सहायक मास्टर थे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें दी। मैं भी प्राइमरी स्कूल में था तब से ही जो अपने भिन्न भिन्न कवि हैं बहुत अच्छे अच्छे, जयशंकर प्रसाद, श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त और हरिवंश राय बच्चन, इन सब की जितने भी कविताएं हैं और किताबें होती थी उसको मुझे देते थे और मुझसे सुनते थे। तो बचपन से कहीं बीच तो पड़ा था, लेकिन जब मैं मधुबन में आया तो मधुबन में तब कोई कल्चरल टीम नहीं थी। सूरज भाई गीत लिखा करते थे और उनके गीत लिखे हुए बहुत कम लोग जानते हैं, कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा है। मधुबन के चमन के तुम बहार हो, तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दर्शा दिखलाती है, ऐसे आदि आदि गीतों के रचनाकार सूरज भाई गाना लिखते थे, गीत लिखते थे और हम सब ताली पीट पीट करके कव्वाली करते थे और गीत गाया करते थे। मुझे याद है कोई हम लोगों को गाना वाना तो नहीं आता था, लेकिन हमने सोचा था कि मधुबन में आते ही दो बात का मैंने ध्यान दिया, एक तो कि अभी समर्पित हो गया हूं तो जो सेवा मिलेगी उसमें ना नहीं कहना है। तो ना कहने से जो भी सेवाएं मिलती रही वो सेवाएं क्वालिटी बनती गई, वो सामने आती गई। और दूसरी चीज सीखा था कि मधुबन की जो दिनचर्या है वो मेरी अपनी दिनचर्या होनी चाहिए, क्योंकि मैं मधुबन निवासी हूँ तो सबके बीच में ये पूरा होना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहा। तो मुझे इन विशेषताओं ने बहुत मदद की, बहुत काम में आया और मैं बहुत खुशहाल हूँ, बहुत खुशनसीब हूँ और कि मुझे सभी दादियों का प्यार मिला। हाथ लगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मधुबन में सूरज भाई और पूरी टीम है, आत्म प्रकाश भाई टोली वाले, रामनाथ भाई हैं, अशोक भाई हैं और ढेर सारी जो भी आज आप जानते हैं कि पूरा यज्ञ में विशेष आत्माएं हैं उन, और निर्भय भाई जी ने खास, रमेश भाई, जगदीश भाई, आदरणीय दादी प्रकाशमणि दादी जी, दादी जानकी जी, इनके एक एक शब्द जो समय समय पर मुझे प्रोत्साहित किए, जो प्रेम बांटा और जो दिया, जो आगे बढ़ाया, वो उनको याद करते ही हमारे नैन जो है वो सजल हो जाते हैं। मैं कैसे बताऊं, आज दादी जानकी जी की याद आ रही है कि दादी जी एक बार अहमदाबाद से हैदराबाद गई और उन्हीं दिनों में अपने पास डिवोशनल 9 ये सॉन्ग बन करके आया था, जिसमें शिव बाबा को याद कर जी भर उसको प्यार कर, और उसमें है हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को सब सरल हो जाएगा, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, ये सब गीत बने थे और उन्हीं दिनों में मेडिटेशन 7 भी बन के आए थे। पूरे ये दोनों सीडियो ने इतनी धूम मचा दी थी कि सबके मन में था वाह वाह क्या गीत है, क्या गीत है। और इनके जो कलाकार हैं, जब ये डिवोशनल 9 के जो गीत बने, जिनके रचता हमारे असित देसाई जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी धुन बनाई, बहुत प्यारे प्यारे गीत बनाए, उन्होंने धूम मचाई। और अपनी जो ओम व्यास जी ने सारे धुन बनाए मेडिटेशन 7 के, और वो गीत जो बनाई दिव्या जीदी जी ने, वो बड़े इतिहास में अमर हो गए हैं। रोज आना सवेरे शाम उठते बैठते वो गीत सुनने को मिलते हैं। तो इन सब की बदौलत बहुत अच्छी मुझे ट्रेनिंग मिल गई। और कैसे शुरुआत हुई वो मैंने आपको बताया कि मधुबन में एक्टिविटीज बहुत कम होती थी, लेकिन मिल करके हम ही लोग करते थे। तो सूरज भाई लिखते थे और हम लोग गाते थे। जब देखा आगे चल करके सूरज भाई ने कि भाई ये अच्छा गाने लगा बच्चा, तो उन्होंने कहा सतीश अब तुम गाना लिखो, और वो कह देते थे मैं नहीं आ रहा हूँ, आप ये काम कर लो। तो उसके बाद लिखने का भी मौका मिला, उसके बाद गाने का भी मौका मिला, फिर हमने ग्रुप भी बनाया। पहले म्यूजिक वगैरह देख तो डर लगता था, तबला क्या है, हारमोनियम क्या है, इससे तो थोड़ा दूर थे क्योंकि कुछ ज्ञान तो था ही नहीं, बस केवल हाँ जी कहना आता था, इसके अलावा कुछ नहीं था।
फिर जैसे सफर आगे शुरू हुआ तो मैंने देखा इसमें बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां मुझसे ज्वाइन हुई। मुझे बहुत फख्र है, बहुत खुशी है कि इन्हीं बीच में अस्मिता बहन आई और माता श्री लेकर आई सरोजनी बहन, और सरोजनी बहन जी ने मुझे मौका दिया कि भाई ऐसा गीत लिखिए। अस्मिता बहन आती थी और उनके साथ मिलके बहुत अच्छा, क्योंकि उनको म्यूजिक का ज्ञान बहुत अच्छा है। आप रेडियो सिंगर तो थी ही, लेकिन आपके अंदर लता जी के उस ग्रुप में आप थी, शामिल थी, तो मिलकर के गीत भी लिखना और गीतों की धुन बनाना, गीतों का प्रेजेंट करना, और अस्मिता बहन ने बहुत प्यार से गाने गए और यज्ञ में एक बहुत अच्छी दी, और ये सफर बढ़ता गया। और इस सफर में हमारे ढेर सारे भाई बहने शामिल थे। मुझे इस समय पर दादी जी की कुछ बात और दादी जानकी जी की दो बात मैं कहना चाहूँ, कहीं मिस ना हो जाए, कि जो इनकी प्रेरणाएं मिलती रही। तो ये जो डिवोशनल 9 और मेडिटेशन 7 बन के आया, तो दादी जानकी बताती हैं वो जो शांति स्तंभ के सामने बड़ी घड़ी ऊपर लगी है, वहां पर मैं शांति स्तंभ से आगे बढ़ रहा था और दादी जानकी जी आ रही थी। तो दादी कहती है कि सतीश मैं अभी हैदराबाद से अहमदाबाद से हैदराबाद गई, पूरी प्लेन में मैं ये गाना सुनती गई, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, क्योंकि दादी जी बाबा से बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ी थी और बिल्कुल साफ कहती थी बाबा से इतना प्यार था। दादी थी बाबा को मैं खा जाऊं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, इतना प्यार से दादी बोलती थी कि दादी को बाबा के अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो दादी कहती है कि सतीश ये बता कि तेरी आत्मा मेरे अंदर आ जाती है कि मेरी आत्मा तेरे अंदर आ जाती है। जो हम दादियां कहती हैं वही तो लिखता है, वही तो बोलता है, और कितना अच्छा गाना है हमको हमारे बाबा से। पूरी मैंने प्लेन में यही गाना सुनती आई। अब ये बोल कहां दादी जी और कहां ये बोल आज भी कानों में गूंजते हैं, आज भी कानों में गूंजते हैं। ऐसे समय समय पर इतना प्रोत्साहन, जैसे आपने बताया मिनेश भाई कि आपने वहां हैदराबाद में सुना, मैं ऐसे कितनी बार बताऊं कि दादी लंदन में है तो लंदन वाले फोन करते थे, सतीश भाई यहाँ पर दादी आपको याद कर रही है, दादी यहाँ पर याद कर रही, दादी यहाँ याद कर रही थी। हम दुबई में थे, पूरा प्रोग्राम शुरू हो गया, दुबई वालों ने सोचा कि यहाँ पर ये भगवान की बात कहेंगे, बाबा कहेंगे और गॉड की बात कहेंगे, तो क्या कहेंगे, तो उन्होंने शुरू में गाना रखा ही नहीं। दादी जी का जब स्पीच शुरू हुआ तो दादी जी कहती है कि बुला करके गिरीश भाई और मीनू बहन, उनकी युगल दोनों मंच संचालन कर रहे थे शारजाह में, और वहां पर कहा कि पहले वो जो मधुर वाणी ग्रुप सामने बैठता है पहले उनको बुलाइए, वो गाना गाएं, फिर मैं अपनी स्पीच शुरू। तो दादी की ये बोल, ये प्रोत्साहन बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छा लगा। और बड़ी दादी जी ने, बड़ी दादी जी कहा करती थी 18 जनवरी के दिन होते थे तो दादी जी कहती सतीश इधर आओ, आंगन में बैठी होती थी तो मैं जाता था तो दादी कहती थी कि सतीश ये बताओ कि बाबा के गाने लिखे हो। मैंने कहा जी दादी, बाबा के गाना माना ब्रह्मा बाबा के दिन होते थे दिसंबर वगैरह के करीब में, तो मैं कहता था जी दादी। तो कहा कि मुझे कब सुनाओगे, मैंने कहा दादी जी जब आप कहें। कहा कि कल सवेरे अमृत वेले आ जाना और मेरे कमरे में आ जाना 4 बजे। तो मैं कहता जी दादी। तो मैं 4 बजे दादी के कमरे में गया और यीशु दादी बैठती थी, दरवाजा बंद करके मैं दादी जी को गाना सुनाता था। एक गाना सुनाया तो दादी ने कहा और सुनाओगे, मैंने कहा जिसे दादी कहा तो और सुनाओ। एक गाना और सुनाया, कहा और भी है, हमने कहा दादी और भी है। कहा एक काम करो, अभी मैं स्नान करके तैयार होती हूँ और अभी मैं क्लास में जाऊंगी और मुरली सुनाऊंगी, तो उसके पहले जो गीत बजता है उसके बजाय तुम ये गाना गाना और तो ठीक हो रहेगा, ठीक रहेगा ना। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो मैं हाथ से ही लिखा होता था, मैं क्लास में बिना हेमंत भाई तो तब तक थे ही नहीं, और हेमंत भाई की वो धुन बने मैं गाऊं तो नहीं, मैं अपने टूटी फूटी अपने सुर में अपने टेढ़े मेढ़े राग में अभी मैं क्या बताऊं उसको, क्या मैं गाता था, वो राग क्या होता था वैरागी होता था, वो ताल क्या होता था बैताली होता था। लेकिन वो जो
वहां दादी जी के पास दादी जी को सुनाया और क्लास में सुनाया, इतने भाई बहनों का इतना प्यार इतना प्रोत्साहन मिला। फिर दादी कहती सारे क्लास को बड़ा अच्छा गाना मिला, गाना लगा। अब एक काम करो, इसका एक कॉपी बना करके जगदीश भाई को दे दो, एक कॉपी निर्भय भाई को दे दो या रमेश भाई को दे दो, एक कॉपी जो है मुझे दे दो, एक कॉपी दिव्या बहन को बॉम्बे में भेज दो, व्यास भाई बनाएंगे उनको भेज दो। तो उन गानों की कई कॉपी बना के देता था। फिर जगदीश भाई देखते थे, रमेश भाई देखते थे, निर्भय भाई देखते थे, सबसे छन करके आता था और उन गानों की इतनी मुरम्मत होती थी। बाद में जब हम दिव्या बहन दीदी के पास जाते थे तो दिव्या दीदी ऐसे गाने नहीं करते, वो पूरे यज्ञ का प्रतिनिधित्व करती थी, जिम्मेदारी लेती थी, रात दिन सुनती थी। फिर कहती सतीश भाई अभी गानों में ये सागर, ये उपकार, ये फलाना लगभग 8-10 की लिस्ट दे देते थे, अब ये गाने में नहीं आना चाहिए। तो मन मेरी कॉन्शियस बदल जाती थी, अभी क्या करूं, अच्छा चलो ठीक है। फिर कहते थे सतीश भाई आपके पास गीतों की, आपके पास शब्दों की कमी, थोड़े आपको भंडार है, आप इसको बदल दीजिए। कभी कभी कोई गाना होता था उसी गाने के बेस पर पूरा गाना बना होता था। मुझे लगता था कि दीदी ने कह दिया बदलने को, ये तो बड़ा कठिन है। मन में आता था दीदी को कहते हो कि दीदी यही तो जान है और आप जान ही निकाल करके जहान दिखाना चाहते हैं तो अभी कैसे होगा। लेकिन मैं सोचता था नहीं, बड़े लोग जो कह रहे हैं इनके बात में कल्याण है। फिर मैं बाबा को सौंप करके जब करता था तो वो पहले वाला जो गाना था उससे भी कहीं और बेटर, इतना छन के इतना बन के आता था कि मैं क्या बताऊं। कि मैंने सीखा कि बड़ों की कभी बात को कभी उसको ना नहीं कहना चाहिए, घोड़े जैसे आड़ नहीं जाना चाहिए, बल्कि जितना हो सके उनका कहना मान करके उनके सुझाव को लेना चाहिए, इसमें ही बाबा की श्रीमत। तो इन सब चीजों ने बहुत आगे बढ़ाया। अब रही बात कि जब गीत बनता था तो जगदीश भाई वो हमारे गीतों का बहुत अच्छा करेक्शन देते थे, बड़ा अच्छा सुझाव देते थे। एक वाक्य मैं सुनाऊं दिनेश भाई? बिल्कुल बिल्कुल। एक वाक्य मैं सुनाता हूं कि जगदीश भाई को जब गीत दिया और बाद में गया पूछा कि भाई साहब आपने गीत देख लिया? तो कहा हाँ सतीश भाई आपके गीत देखे। तो मैंने कहा कैसा रहा? कहते गीत तो बड़े अच्छे होते हैं और आपके गीत तो बड़े अच्छे होते ही है, उसमें देखना क्या है, वो तो आपने भेज दिया, बाकी गीत अच्छे ही है। मैंने कहा नहीं भाई साहब, आपका आपका मिलना और आपका सुनना और आपका देखना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको आपसे बड़ी प्रेरणाएं मिलती हैं और आपके पास जो सूझबूझ है वो कहीं नहीं है। आप इतनी किताबें इतनी अच्छी लिखते हैं, 300-300, 600-600 पेज की किताबें आप लिख देते हैं। कहा भाई देखिए सतीश, एक ऐसी बात है कि किताब लिखना 300 पेज का वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 300 पेज की किताब को 3 अंतरों में लिख देना, 3 लाइनों में लिख देना बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा भाई साहब ये आपकी उदारता है, आपकी महानता है, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ जो आप करते हैं। कहा नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब एक बार शांति वन में अभी नया नया बना था और गीत बन के आया था, और उस गीत में गीत के बोल थे भगवान हमारा साथी है, वो गाना बजा तो आपने पूछा क्लास वालों से कि भाई गाना तो बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा? तो सबने कहा जी भाई साहब। कहा हमें भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस गाने की दूसरी ही लाइन में मुखड़े में ही वो आती है कि हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है भगवान हमारा साथी है। अब इसमें आता है जैसे दीपक में बाती है, अब ये दीपक में बाती है इसका मतलब है कि जैसे परमात्मा में आत्मा है या जैसे आत्मा में परमात्मा है, इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारे ज्ञान से टैली नहीं करता है, बाकी भावना बस लिखा। तो मैंने कहा भाई साहब जब आपसे मैंने सुना तो मुझे इतना इतना गहरा लगा कि गाने में तो बहुत गलती कर दी। इसके पहले तो मैं गाना सुन के बड़ा खुश होता था, मैं समझता था नहीं नहीं भाई मैं तो ऐसे बोल दिया था, मेरा भाव ऐसा नहीं है और गीतों में कोई ऐसी बात नहीं कि आप वैसे करो। हमने कहा फिर भी भाई साहब आप कहते हैं कल्पनाशीलता भी रहे, शब्द सौष्ठव भी रहे, भाव भंगिमा भी रहे, उतार चढ़ाव सुरों का भी रहे, लेकिन अगर वो लॉजिक भी रहे, कल्पनाशीलता भी रहे लेकिन लॉजिक भी रहे, तब वो बात बनती है। तो ये आपका जो कहना मेरे बहुत काम में आए, और मैंने महसूस किया अगर हम लिखते कि भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं,
वो अपने संग संग रहते हैं, जैसे दीपक संग बाती है, भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है, तो बड़ा अच्छा होता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा। तो और उन्होंने कहा भी कि हमारे गीत ऐसे होने चाहिए जो सब संस्थाओं वाले, सारी दुनिया की सब वर्ग के लोग वो सब सुने, वो भजन ऐसे होने चाहिए जो घर घर में बजे और सब जगह बजे। तो आप बहुत अच्छा लिखते हैं, लिखते रहिए। फिर ऐसे ही दूसरा संदर्भ में, दूसरे गाने में भी आपने बताया, और वो गाना था आपका प्यार बाबा बरसता रहे, हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। अब ये गाना कैसा लगा? सबने कहा बहुत अच्छा, कहे गाना एक तो हमको भी बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इसमें आती है कि आपका प्यार बाबा बरसता रहे, हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सवाल ये है कि जब बरसात होगी, बादल रहेंगे, तो सितारे कैसे जगमगाएंगे? तो ये बात सुनकर के मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये कभी सोचा नहीं था। मैं बॉम्बे में बोरीवली ईस्ट में था, मैं उस समय पर वेस्ट में था और सेंटर पे था, और गाना लिखा था आपका प्यार बाबा बरसता रहे, इस जमाने से कुछ भी नहीं चाहिए। तो मेरे मन में ख्याल आया कि कल ही रिकॉर्डिंग होने वाली है, ये गाना फाइनल हो गया है, लेकिन मैं इस जमाने से कुछ भी नहीं चाहिए, ये बड़ा गड़बड़ मामला है, इसको निकाल देना चाहिए, इसमें कुछ और बदल देना चाहिए। फिर मैंने उसको सारा चाहिए चाहिए निकाल दिया और सीधा जोड़ता गया आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आप शांति वन में आप दृष्टि दे रहे हैं, आपका प्यार बरस रहा है, और सामने हम सब सितारे हैं, हम सितारे चमक रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैंने लिख तो दिया जगमगाते रहे, लेकिन जब आपने बताया तो मेरे कान खड़े हो गए। तो मैंने कहा बात तो ठीक है भाई साहब का, कि भाई बादल रहेंगे तो सितारे कैसे जगमगाएंगे, वहां तो ऐसा होना चाहिए भाई आपका प्यार बाबा बरसता रहे, और उस पानी से, पानी में हम नहाते रहे, उस बरसात में नहाते रहे, या बाल्टी भरते रहे, या कुछ होता रहे, तब तो बात बनती है, ये बात तो है नहीं। तो वो बात सुनकर के मुझे इतना आश्चर्य लगा कि भाई साहब की कितनी गहरी पैनी दृष्टि है, कितनी सूझबूझ है, कितनी दूरदर्शिता है, कितनी गहराई है। उसने मुझे एक बहुत अच्छा मुकाम दिया, गीतों को कल्पनाशीलता देना, लेकिन इतना भी उछाल न उड़े। जबकि बहुत सारे लोग लिखते तो हैं, उनके शब्द अभी यहाँ है, अभी वहां है, अभी ये बात कर रहे हैं, अभी वो बात कर रहे हैं, तो उसको सुन करके लगता है कि इनके शब्द बड़े अच्छे अच्छे डाले हैं, लेकिन उनका कहीं यहां से और वहां से कोई जोड़ लगता है। गाना भले अच्छा हो जाता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, एक बार यहाँ है, एक बार वहां है, तो उससे हमारी दृष्टि में, हमारे विजन में भी फर्क पड़ता है। लेकिन मैंने महसूस किया कि ये लॉजिक हो तब हमारे ज्ञान को सिद्ध कर सकता है। और मुझे इसी संदर्भ में याद आता है कि जगदीश भाई कहा करते थे कि जैसे आप परमधाम में आत्मा को लेकर के जा रहे हैं, तो कोई अगर परमधाम में जाते समय जाए परमधाम में, और परमधाम में रह करके अगर धरती की बात करे, तो योग लगाने वाला वो धरती में जाएगा या परमधाम में रहेगा? इसलिए जो भी होना चाहिए लॉजिक होना चाहिए, हम जब यहां से जा रहे हैं तो यहां की बात करें, और जब ऊपर जाएं तो ऊपर की बात करें, और जब परमधाम में रहें तो परमधाम की बात करें, ताकि योग लगाने वाले को उसमें कहीं कोई उतार चढ़ाव में, कहीं उसमें भटकने का डर ना हो, वो सीधा लेकर जाएगा। तब वो गाना लिखा और वो सनसेट पॉइंट पे लिखा था, झिलमिल सितारे बनकर उड़ के वतन में जाएं, आए परम पिता से मंगल मिलन मनाए, निज भाल से निकलकर फुलझड़ियां उड़ चली हो, वो देह दुनिया की सारी बिसरी हर गली हो, ऐसा गाने हैं। तो उस गाने को सुन करके उस तरह से लिखा, अभी नीचे से जा रहे हैं, नीले गगन के ऊपर कहा, फिर परमधाम में बाबा के पास बैठे और बाबा हमें खो गए। तब मुझे लगा कि जगदीश भाई ने जो संकल्प दिया, जो बात किया, वो बहुत गहरी बात कही, उसको मैंने लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय रमेश भाई जिन्होंने हमारे गीतों को एक बहुत अच्छा मुकाम दिया। आज के दिन जब पूरा कल्चरल विंग हमारे सामने बैठा है, हमारी आदरणीय कुसुम दीदी बैठी हैं और सब विभूतियां बैठी हैं, कल्चरल विंग के भाई बहने सुन रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि रमेश भाई, उषा बहन जी ने हमें बड़ा प्रोत्साहित किया, और उनका एक वाक्य ने हमारे गीतों की दिशा और दशा को बदल दिया। और प्रारंभिक दिन थे लगभग 86-87 के दिन थे,
जब अभी ओम शांति भवन में कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई थी, तो उन दोनों में कोई कल्चरल टीम तो होती नहीं थी। हमारे यहाँ एकाध भाई कोई गाना गाते थे, लेकिन कोई टीम बना के गाने वाले नहीं थे, और ऑफिशियल तो बिल्कुल नहीं। हमारे रमेश भाई मुलाकात की आंगन में, मधुबन के प्रांगण में, और वहां गुल्लाचीन का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे रमेश भाई मिले, और मैं वो बिल्कुल नया था, बिल्कुल नया था, यानी कि पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। जब रमेश भाई को बड़ा बड़ा कद में भी देखता था और कोट पैंट में देखता था, क्योंकि वकीलों की कॉन्फ्रेंस होती थी उन दिनों में, तो वैसे भी मुझे बड़ा डर लगता था पढ़े लिखे लोगों के बीच में। मैं तो गांव का अनपढ़, कुछ भी आता नहीं था, और जब उनको देखता था तो मुझे डर लगता था। बड़े भाई से पहली मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा, सतीश तुम गीत तो गाते हो, मुझे अच्छा लगता है, मेरी परसों एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जूरिस्ट विंग की, क्या तुम उसके लिए गाना लिखोगे? तो मैंने कहा, जी भाई साहब, आपका आदेश है तो मैं जरूर लिखूंगा। तो उन्होंने कहा कि गाना लिखना, और मुझे अगर हो सके तो दिखा देना, क्योंकि बिल्कुल नया था मैं भी, अभी कुछ कोई टीम नहीं थी, कोई कुछ तैयारी नहीं थी, तो दादियों के लिए आगे गाता था, दादी विदेश में जा रही है या फलाना कोई आ रहा है, स्वागत वागत कर रहे थे। लेकिन जूरिस्ट विंग की कॉन्फ्रेंस ने, जजों के, वकीलों के, उनके बीच में कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें मैं सुनाऊं, तो वास्तव में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लिखना था। तो दूसरे दिन ही उनकी मुलाकात मेरी से हो गई, और सामने पूछा, उन्होंने कुछ लिखा? मैंने कहा, भाई साहब अभी तो दो ही लाइन लिखा है। कहा, मुझे सुनाओ, सुनाओगे? मैंने कहा, जिसे भाई साहब कहे। तो कहा, सुनाइए। तो मैं रोज सवेरे, मेरी दिनचर्या का एक अंग है कि मैं सवेरे 5 बजे से 6 बजे के बीच में अमृत वेले अंधेरे में ही मैं रोज चक्कर लगाता था नक्की लेक का, और उसमें मेरे गीत प्राय बनते थे, वही टाइम होता था 6:30 के बीच में, 5 से 6:30 के बीच में। तो मैंने सुनाया दो लाइन, और क्या सुनाया मैं बताऊं, मैंने लिखा था, गाते हैं हम गीत मंगल मिलन के, शुभ स्वागतम के, शुभ आगमन के, गाते हैं हम गीत मंगल मिलन के। भाई सब सुनते रह गए। कहा, ये गाना है, ये गाना है, कोई शादी का गाना है क्या, मंगल मिलन की गाना गा रहे हो? मुझे तो उम्मीद नहीं थी आपसे ऐसा कोई गाना गाएंगे, आप ही, आपका तो बड़ा नाम सुना था, आप तो बड़ा गाना गाते हैं, ये कोई गाना क्या है? उन्होंने जो मुझे 5 मिनट तक, जो मुझे अच्छी तरह से, पहले उनका नेचर था कुछ इस तरह से, हार्ड थोड़ा परीक्षा भी लेते थे, उन्होंने ऐसा मुझे उतारा कि मैं तो अभी चढ़ा भी नहीं था, मैं सीधा ही जमीन पे चला गया, और मुझे पाताल भी नजर नहीं आ रहा था, मैं अभी जाऊं तो जाऊं कहां, मेरे तो हालत ऐसी खराब गई थी कि मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा, मैं क्या करूं, इतने बड़े भाई साहब उन्होंने ऐसे संकट में डाल दिया कि मेरा तो सारा वो पारा ही गिर गया, बुखार जैसे चढ़ गया हो। तो मैंने कहा, भाई साहब, फिर फलाने से एक भाई बहुत अच्छे उन दिनों लिखा करते थे, भाई जी आप उनसे फिर लिखा लीजिए। तो उनके बोल थे, अगर उनसे लिखाना होता तो मैं आपको कहता। इतने में मुझे बहुत सांत्वना मिली कि मतलब कुछ बात हो गई होगी, नहीं तो हमको, हमारे पास तक कौन पहुंचने वाला था। फिर उनका, एक काम करो, अभी भी टाइम है, हमारा जो है कॉन्फ्रेंस कल शाम को है, तो और कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो, लिख लो तो बड़ा अच्छा होगा। तो मैंने कहा, ठीक है भाई साहब। सारा दिन किचन में बिजी रहता था, ज्ञान योग अलग होता था, टाइम मौका नहीं होता था, सोने का भी मौका नहीं था। मैं सारा दिन उनकी बात सुन करके, तो मेरी इतनी हालत खराब गई थी, अब तो बड़ा चैलेंज हो गया था, बड़ा अच्छा लिखना चाहिए, मैं क्या करूं। बाबा को याद करता रहा, मेरे तो बुखार पहले चढ़ गया था, रात को नींद ना आए, मैं किसी तरह सोया, मैं लगभग 10:30-11 बजे सोया होऊंगा, और 2 बजे मेरी आंख खुल गई, और तुरंत ही टेबल लैंप जलाया, और मैंने एक गाना लिखा, और वो गाना 4 अंतरे का था, और एक एक अंतरे में 4-4 लाइनें थी, क्रॉस लाइन लेकर के 5 लाइन था, पूरी रामायण जैसे एक लंबा सा गीत बन गया। फिर उस गीत को मैंने फेयर किया, फेयर करके 4 बजे मैं फेयर वाली कॉपी लेकर के रमेश भाई विशाल भवन में, उष्टा बहन रमेश भाई, वो विशाल भवन का पहला रूम था, उस रूम के बाहर मैं गुलाचीन के पेड़ के नीचे वहां बैठ गया। तो
जैसे 4 बजे का रिकॉर्ड बजा और बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि ये बेचारा बैठा है। तो मैंने गीत दिया और उन्होंने देखा तो कहा कि अरे, उनको आश्चर्य लगा और उनको बड़ा ख्याल भी आया कि मैंने क्या बोल दिया, बेचारा ये कब लिखा होगा, कब बनाया होगा, 4 बजे आके दरवाजे बैठा है, कब से इंतजार कर रहा होगा। गीत जैसे देखा तो पहली लाइन थी, परम न्याय कर्ता के दर न्याय के दाता आए हैं, नीति नियंता आए हैं, नीति निर्माता आए हैं, मानस के न्यायालय में है आत्मा न्यायाधीश, करे फैसला निज कर्मों का, पाए शुभाशीष। इस तरह से मैंने जो गाने लिखे थे, पूरा कोर्ट का, वकीलों का, जजों का क्या होना चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस ऐसे होगी तो जंगल राज होगा, वो सारा मैंने लिखा, बहुत ढेर सारा डिटेल लिख दिया था। उन्होंने पहली बार जिंदगी में किसी को अपने दिल से लगा के, गले से लगा के इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि वो प्यार भूलता नहीं। कहने का भाव है कि उन्होंने बताया कि भाई आप जजों के आगे गा रहे हैं, वकीलों के आगे गा रहे हैं, और गाते हैं गीत मंगल मिलन के, शुभ स्वागतम के, शुभागमन के, ये कोई गीत है? तब से उन्होंने जो सिखाया, आज कोई भी मौका होता है, मैं देखता हूं मौका क्या है, वो व्यक्ति कौन है, घटनाएं क्या हो रही है, बातें क्या हो रही है, मुझे देना क्या है, मैं कहां पर हूं, किसका ज्ञान सुना रहा हूं, और मैं केवल तबला बजा के, हारमोनियम बजा करके, गा करके वाह वाह लूटने के लिए नहीं हूं, बल्कि मुझे तो बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है, और जो व्यक्ति सामने आया है, मुझे तो उसकी बात करनी। इन सब चीजों ने जो निर्भय भाई, जो रमेश भाई ने जो दिया, वो आज भी मुझे भूले नहीं भुलाती है वो बात, और आज मुझे आगे बहुत बढ़ाती है समय समय पर। यही बात है कि हमने ईश्वरीय परिवार में मैंने अनुभव किया है कि जैसा समय, जैसा रंग, जैसा देश, वैसा वेश, उसे वैसे गीत प्रस्तुत करना, वैसे बनाना, तुरंत ही 1 घंटे के अंदर प्रोग्राम मिलना, गाना भी बनाना, तर्ज भी बना लेना, म्यूजिक भी तैयार करना, ऑर्गेनाइज करना, ग्रुप तैयार करना और प्रेजेंट करना 1-2 घंटे में, वास्तव में ये बड़ा मिराकिल है, ये अत्यंत असंभव है। कभी कभी तो वहां पर तो धुन भी पक्का नहीं होती, जब गाने के लिए जाते हैं तो बड़ा ऊपर नीचे उठपटांग हो जाता है शुरू से लेकर के। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, लेकिन किसी ने कभी कुछ कहा नहीं कि गाने लायक तो है नहीं, लेकिन आप गाना गाते हो, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने बड़ा प्रोत्साहन दिया। और जहां पर आगे चल करके मेरी सरोजनी बहन और मुझे याद है हमारे हेमंत भाई जो मिले, हेमंत भाई ने जो आओ प्रभु शरण आओ की कालजयी गीतों का निर्माण किया, मैं बताना चाहता हूँ, मुझे फक्र है कि कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, ये जो गीत है और जो उसमें एक एक से जो भी गीत हैं, तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, और वो है एक मेरा मनमीदा, हा क्या बात है, इन गानों की इनकी बात, इन्होंने जो दिया, जो धुन दिए, जो एक एक चीज जो दी, अमर मतलब कर दिया, मैं क्या बताऊं कि कालजयी गीत बना दिए। मैं इन विभूतियों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत क्या कहूँ, शब्दों की कमी पड़ जाती है जब आप लोग बोलते हैं तो हमारे शब्द सूख जाते हैं सतीश भाई, तो शब्दों को ढूंढना पड़ता है। लेकिन आपके इस वक्तव्य के दरमियान में सभी के मुखड़े को देख रहा था सतीश भाई, और हर आत्मा इतनी प्यार से सुन रही है इस वक्त, इतने सब हर्षित हो रहे सुन सुन के इन बातों को, क्योंकि ये इतिहास खुल रहा है और ये ऐसी बातें हैं जो कभी सुनी नहीं है, तो सब बहुत भाव विभोर हो रहे हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, लेकिन बहुत खुश हो रहे हैं। तो ये है, मैं कहूँगा, कार्यक्रम जिस उद्देश्य से रखा गया है वो उद्देश्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छी बातें आपने सुनाई भाई और बहनों। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने जो बातें सुनाई उसमें वो कमियां कहूं, वो गलतियां कहूं, उन बातों को उन्होंने सुनाया कि बड़ों ने इस तरह से करेक्ट किया, यही तो विशेषता है। उन गलतियों को उन्होंने छुपाया नहीं, उन बातों को आपने सभा के सामने रखा कि मैंने ऐसा लिखा था और बड़ों ने इसको इस तरह से करेक्ट किया, ये तो विशेषता है।
और इस वक्त हमारे दयाल भाई जी भी सभा में शामिल हो चुके हैं, साथ साथ अटलादरा से अरुणा बेन भी आ चुके हैं और नरेंद्र भाई को भी मैं देख रहा हूं। तो आप सभी का स्वागत है। कोई का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो क्षमा करना, क्योंकि यहाँ 3-4 स्क्रीन होते हैं तो हर कोई मेरे सामने नहीं होते हैं, तो मैं शायद आपको नहीं बोल का नाम नहीं बोल पा रहा हूं। तो भाई और बहनों, ये जो यज्ञ का प्लेटिनम जुबली का ईयर रहा, तो उस वक्त जो गाने बने वो गाने भी हमारे सतीश भाई ने ही बनाए, उसमें ब्रिजमोहन भाई ने भी कुछ दिशा सूचन दिशा निर्देश किया था, उनका भी साथ आपको रहा। लेकिन एक बहुत सुंदर बात तो मैं आपको बताना भूल गया भाई और बहनों, इस सभा में अस्मिता बहन भी शामिल है, तो एक गीत हमारे सतीश भाई ने लिखा और वो गीत आप सबको ही अच्छा लगता है और ये दुनिया वालों को भी अच्छा लगता है और गाया भी बहुत खूबसूरती से है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। और प्यारे साथियों, इस गीत को जो मैंने सुना है कि ये शहर आगरा में भी ये जो गाना है वो ऑटो रिक्शा वाले बजाते हैं, सोचो आप, ये इतना पॉपुलर हुआ है दुनिया वालों के अंदर भी कि शहर आगरा के अंदर ऑटो रिक्शा वाले इस गाने को बजाते हैं कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो प्रोग्राम के अंत में मैं ये चाहूंगा कि हमारी अस्मिता बहन जी ये गीत बाद में सुनावे लास्ट में। अस्मिता बहन जी ठीक है, ये बात सुनाएंगे ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल हाँ, आप सुनाना। और साथ साथ भाई और बहनों, सरोजिनी माता भी इस सभा में शामिल है। आप में से बहुतों को ये नहीं पता होगा, एक गाना यूट्यूब पे मिलता है, वो गाने में आप दोनों साथ में दिखते हैं, उस रीति से शायद आपने देखा हो, तो जीवन के दाता जो गाना है दोनों ने गाया है मिलकर के। आप लौकिक में अस्मिता बहन की माता जी है लौकिक। तो भाई और बहनों, अभी मैं सतीश भाई को एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। इन जनरल आपने आंसर दिया है, लेकिन मैं फिर भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो आपका गीतों का सफर है, इसमें आपको किस किस का प्रोत्साहन मिला, किस किस का साथ मिला? क्योंकि जब एक मकाम पर पहुंचते हैं तो कहीं उस मोड़ पे विघ्न आते हैं और कईयों के सहारे की आवश्यकता होती है, तो ऐसे कौन कौन से व्यक्तित्व रहे जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया समय समय पे, जिनका आपको साथ मिला हो, वो आप हमें बताइए। जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मिनेश भाई। एक्चुअली जब मैं यहाँ पर आया, जब मेरी बात होती है तो मुझे लगता है कि यज्ञ की बात होती है, क्योंकि मैं अकेले में कुछ भी नहीं हूँ, मैं स्वयं में कुछ भी नहीं हूँ, जो है यज्ञ है। तो मैं आपको और सबको ये बताना चाहूंगा कि ये हम सबकी खुशनसीबी रही है कि पूरे यज्ञ को जो बाबा के गीत हैं, जो हजारों गीत हैं, उन गीतों में कैसे कैसे किसका किसका योगदान रहा। तो सबसे पहले मैं गीतकारों की बात कहूँ तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यूं तो बहुत सारे गीतकार आए, लेकिन भरत व्यास जी के आने से हमारे गीतों में एक व्यावसायिक, एक प्रोफेशनल टच मिली। और जो 2000 से भी ज्यादा फिल्मों में गाने लिखे हैं, भरत व्यास जी जो ओम व्यास जी के चाचा जी हैं, तो भरत व्यास जी ने गाने लिखे और उन्होंने लगभग 25-30 गाने उन्होंने लिखे। जो गाना पहला गाना बजता है मेरे लाडले जागो, दूसरा गाना बजता है अंतर मन में ज्योति जगा लो, तीसरा गाना बजता है नित याद करो मन से शिव को, और रात को गाना बजता था कि योगी बनो पवित्र बनो, अंधकार मन का मिटे तन का कटे क्लेश, आप सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी देवी कहानी, और अंधकार और ऐसे सतयुग आने वाला कलयुग जा रहा है, ऐसे करके इतने गीत है, इतने गाने लिखे कि भरत व्यास जी ने गानों को इतना अच्छा बनाया। आज भोग का दिन है, मुझे बड़ी याद आई उनकी, अपने यज्ञ में बाबा और मम्मा के लिखे हुए गाना, एक गाना जो मैं दादियों से सुनता रहा हूं, वो गीत था परम धाम से शिव जी पधारे, महावाक्य कहते ये मधुर ओ ओ ये बिल्कुल एज इट इज हमारी सरला दीदी
बेंगलोर की दादी थी, अभी शरीर छोड़ा लेटेस्ट में, तो उनके द्वारा मैं सुनता था। फिर उस गाने को उठा करके जब भरत व्यास जी को दिया गया तो भरत व्यास जी ने उसी परम धाम से शिव जी पधारे महावाक कहते ये मधुर, उन्होंने गाना बनाया ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियो, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनि ओम। ये गाना जो भोग का गाना बजता है, ये गाने की रचना हुई। तो आज बड़ा अच्छा लगता है, वो पहले वाला भी सुनता हूँ और अभी भी सुनता हूँ, तो कहाँ ब्रह्मा बाबा लिखते थे और वो गाना सुन करके मुझे भरत व्यास जी की याद आ गई। भरत व्यास जी ने यहाँ पर रह करके माउंट में आकर के सुखधाम, तब ये ज्ञान विज्ञान भवन में बैठ करके, हमारे बाबा राम भाई यहाँ केयर टेकर होते हैं, अभी भी हैं, वो बताया करते थे कि सवेरे सवेरे मैं जा रहा था और उन्होंने बुलाया बाबा राम बाबा राम बाबा राम, इधर आओ इधर आओ, तो बस पहुंचा और उन्होंने ये सुनाया। अभी छोटे कपड़े में ही बैठे थे और वहां पर कमरे में बैठ के उन्होंने कहा अरे क्या गाना आया है, अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा, ऐसे कालजय गीत को रचना यहाँ किया और सुनाया, तो उनकी बड़ी अद्भुत देन थी। दूसरे गीतकार जो हुए वो हुए कवि प्रदीप। कवि प्रदीप को सब जानते हैं, आए मेरे वतन के लोगों देख तेरे संसार की हालत, आज के इंसान को क्या हो गया है, जय संतोषी माँ का गाना और मुखड़ा देख ले प्राणी, जितना भी ये सब गाने जो हम आए दिनों सुनते हैं भजन कवि प्रदीप जी के, उनके साथ भी रहने को मिलता था, विले पार्ला जाया करता था मैं, वो हमको तुलसीदास कहा करते थे और गाने को जब सुनते थे तो हमारे तो घरेलू गाने होते थे और उनके जो है वो जनरल गाने होते थे, लेकिन उनको मन में लगता था कि मेरे प्यारों बनो राजयोगी, ये गाना जो मैंने लिखा है इसको कौन सुनेगा, और ये मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं बाहें पसारे, सतीश जी के गाने सब सुनेंगे, तो कहते थे, हमने कहा नहीं भाई साहब, जो आप गाना लिख रहे हैं इसको सारा संसार सुनेगा, और हम जो लिख रहे हैं हमने तो एक बच्चे की तरह छोटा लिख दिया है, आप ना, उनको मैंने निमंत्रण दिया, उनको बहुत अच्छा लगता था। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता था और उनका सफेद वस्त्रों में बहनों का जो जीवन इतना अच्छा लगता था कि वो बड़ी सरलता से आ जाया करते थे। और संजोग की बात है कि उन्होंने भी 25-30 गाने उन्होंने यज्ञ के लिए लिखे जो हम बराबर सुनते, वो बाबा आपने कमाल कर दिया, पवित्रता के हे मंत्रदाता, पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो, ये सब गाने इतने कालजयी बनाए कि पूरे यज्ञ को बड़ा अच्छा अद्भुत देन मिल गई। इसके अलावा एक विभूति और हुई जिनको हम उदय खन्ना कहते हैं। उदय खन्ना जी ने अपने ड्रामा के माध्यम से बहुत अच्छे, एक दीप जले मन में ऐसा ऐसा गाना है और ये सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे और ड्रामा के ढेर सारे गाने और वैसे भी गाने बनाए जो रमेश भाई उषा बहन के साथ मिलकर के उन्होंने बनाए, लेकिन कभी भी किसी ने उनको जाना नहीं क्योंकि वो लिखते थे पर्दे के पीछे रहते थे, रमेश भाई और उषा बहन के माध्यम से लोग जानते थे, लेकिन उनको मैंने बड़े करीब से देखा और नजदीक से देखते हुए मुझे लगता था इतनी बड़ी विभूति, लेकिन कभी मंच पे भी नहीं आते थे, कभी आए नहीं, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे गीत। इसके अलावा हमारे इस यज्ञ के तमाम गीतों में एक गीत राम ऋषि शुक्ल, जो हमारी आदरणीय मोहिनी बहन जो दादी जी के साथ में रहते थे, उनके जीजा जी हैं लखनऊ के रहने वाले हैं, उन्होंने भी काफी गाने लिखे, जैसे ओ दिन कितने प्यारे थे दिन कितने प्यारे हैं, वसुधा की संचल में इस गाने की जो रचना की रचनाकार है वो राम ऋषि शुक्ल है, उन्होंने आबू दर्शन शिव दर्शन विश्व दर्शन और भगवान आ चुका है ऐसे करके किताब लिखी थी, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी, उन गानों से लेकर के आदरणीय निर्वय भाई जी ने सबने बनाया। और इन दोनों गाने जो गीत यज्ञ के प्रथम दो गाने वसुधा की संचल में शिव स्वागत आज तुम्हारा, और दूसरा गाना हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, जिसकी रचना आदरणीय रमेश भाई के घर में हुआ, बड़े साधारण से वही स्टूडियो बना लिया गया, वहीं पर सब लेकर के बनाया गया, ललित सोडा जी ने दिया, ललित सोडा जी का बड़ा बहुत योगदान रहा और अभी तक भी उन्होंने बराबर दिया और मेरी बात को भी कभी सुनेंगे और वो भी चले संयोग के संयोग वर्ष अभी हमारे सामने नहीं है, उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, मैं भूल नहीं सकता हूँ म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में। तो ये उनकी रचना है राम ऋषि शुक्ल जी ने दिया। चौथे जो है हमारे
पांचवे एक प्रकार से चौथे पांचवे कह सकते हैं, हमारी इस यज्ञ में मोहन भाई मेले वाले हैं, उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे और वरदान लुटाने वाले ये गीत उनका है और ऐसे ढेर सारे गीत हम सुनते हैं, हमसे पहले वो यज्ञ में रहते थे, उन्होंने बहुत गीत लिखे। और उसके बाद एक महेंद्र भाई थे, महेंद्र भाई ने इतने अच्छे अच्छे गीत लिखे, आप दृष्टि देते रहो बाबा और रात को जो गीत बजता है प्रेम से बस दो घड़ी, जिनके बहुत ढेर सारे गीत बने और उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे। कहाँ मिलेगा बाबा सतयुग में तेरा प्यार भी तो शायद उन्हीं का है, कहाँ मिलेगा बाबा, जी 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 उनका लिखा है, कहाँ मिलेगा सतयुग में ऐसा तेरा प्यार, और बहुत अनमोल गीत लिखे। और उसके बाद आधुनिक युग में हमारे साथ में जब अस्मिता बहन आई तो कई गाने जो है वो ऐसे गाते थे अपने अपने आवाज में अपनी तरफ रचना करके, हमारी अस्मिता दीदी और माता श्री वो गाने लिखती थी, पुराने गाने हो गए बाबा के हम बाबा हमारे हो गए, शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए, उनके गाने सुन के तो हम बढ़े हुए और आगे बढ़े, आज हमारे सामने उपस्थित हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इन सब अपने संकल्प देते सतीश भाई ऐसा गाना होना चाहिए, इन्होंने कहा आईना साफ किया साफ में नजर आया, कहीं पर कुछ देखा तो कुछ लाइनें तो उन्होंने बताया कि इसको आप लिखिए, तो भाव उनके, फिर मैंने थोड़ा सा शुरू में शब्दों में पिरोने कोशिश किया, सुर तो उन्होंने खुद दिया, और ये दोनों जोड़ी माँ मम्मी और बेटी की इतनी यज्ञ में इतनी अनमोल रही कि दोनों मिलके जब गाते हैं तो बारिश होने लगती है, बड़ा मजा आता है। जो कहा कि जीवन के दाता सांसों के स्वामी तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण, आहा क्या बात बताई, इतनी कृपा हुई कि हम कृत कृत्य हो गए। और जो गाने में मिल करके इन्होंने दिया, मुझे तेरी तकदीर की तस्वीर बनाने वाले तुझे दिल याद करे, और वो गाना जो उड़न खटोले वाले गाने है क्या बताऊं, और यज्ञ में उन दिनों में महामंडलेश्वर आते थे और एक गाना विदाई का गाना बना और वो है बहुत प्यारा सा गाना है, अस्मिता दीदी ने गाया और संतों ने सुना और संजोग से जो लिखा कि सुनो प्रभु के प्यारे बाबा के दुलारे, हाँ सुनो प्रभु के प्यारे बाबा के दुलारे ये आंगन ये द्वारे, वो जो गाना गाए और सबके आंख में आंसू आए, और यहाँ से जाने के बाद सबने फीडबैक लिखा कि जो शीलो बहन ने जो ज्ञान सुनाया और अस्मिता दीदी ने जो गाना गाया और शांति स्तंभ पर जो विदाई हुई आंखों में आंसू आए, जगदीश भाई सुना रहे थे, ये जो इतिहास बना इसमें बड़े अनमोल धरोहर हैं, इनको तो जितना प्रणाम करें जितना इनके कहना नहीं चाहिए चरण छूने का मन करता है। सतीश भाई आपके गीतों के शब्द होते हैं और अस्मिता बहन जी का सुर जब मिलता है तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाता है, बड़ी उसमें एक रौनक आ जाती है। लेकिन आजकल एक गाना बहुत मशहूर हुआ है और वो भी सतीश भाई का ही लिखा हुआ है, तुमको निहारने को दिल चाहता है पलकों न बंद होना, तो ये जो गीत है वो हेमंत भाई ने ही इसका संगीत दिया है, तो बड़ी खुशी की बात है, उसके संगीतकार भी इस सभा में शामिल है, और हमने तो हमारे मोबाइल का कॉलर ट्यून्स भी हेमंत भाई वही रखा हुआ है, और इस गीत के रचनाकार खुद बहुत खुश होते हैं जब हमें फोन करते, बोले बड़ा आनंद आ जाता है, मैंने बोला इस गीत का रचयिता कौन है, तो बहुत अच्छा गाना वर्तमान समय का है कि पलकों न बंद होना, हमारे गोविंद भाई खुश हो रहे हैं और होना भी चाहिए, क्यों ना हो गोविंद भाई। तो भाई और बहनों कई बार एक एक दिन में तीन तीन गाने लिखे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई प्रोग्राम शांतिवन में चल रहा है, कोई प्रोग्राम ज्ञान सरोवर चल रहा है, कोई प्रोग्राम पांडव भवन, तो जो भी स्वागत गान करना होता है वो स्वागत के गीतों की रचना हमारे सतीश भाई के द्वारा होती है, और ये मधुरवाणी जो ग्रुप है इसमें हमारे खास गोविंद भाई साथ में गाते हैं, कई बार हल्दर भाई, कई इस तरह से भानु भाई भी गाते हैं। तो कई बार मैं भाइयों बहनों को बात करते हुए सुनता हूँ, क्योंकि आप सोचो एक दिन में तीन तीन गीतों को लिखना,
उस तीन गीतों का रियाज करने का टाइम तो होता नहीं है, और इस तरह से वो इतना अच्छा पेश करते हैं। और कई बार कोई सिंगर आगे पीछे होता है तो कहते हैं ये किस तरह से गाते हैं, ये बड़ी नासमझी है भाइयों और बहनों। आप सोच लो एक दिन में तीन गाने दो गाने बनाना, इसकी जो थोड़ा बहुत समय मिल जाए प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस भी कहाँ होती है, हमारे गोविंद भाई तैयार रहते हैं, उनके ऑफिस में चलती है, हम इसके साक्षी है। छोटे से समय में, थोड़े से रिहर्सल में इतना अच्छा किया जाता है, तो हमें विशेषता देखनी चाहिए। कोई सिंगर ने आगे गा दिया, अरे ये बड़े बड़े सिंगर जब गाते हैं तो उनके पास वो फैसिलिटी होती है, वो एडिट करते हैं, कट करते हैं, रिपीट करते हैं, और ये लोग लाइव गाते हैं। ये बहुत बड़ी चैलेंज की सेवा है, और इसकी हमें बहुत तारीफ करनी चाहिए कि बहुत थोड़े समय में इतना अच्छा सुंदर तरीके से स्वागत गान तैयार हो जाता है। तो एक और बहुत मशहूर गाना हुआ जब आपने लिखा सतीश भाई, और ये हमेशा ही मशहूर रहा है, जब भी इस गीत को सुनते हैं बड़ा सुकून मिलता है। हमारे पास एक हरी दादा करके है, 83 इयर्स की एज है, और वो बार बार कहते हैं मिनेश भाई वो गाना बजाओ ने, और वो गाना आप समझ गए होंगे कौन सा है भाई और बहनों, ये तीन बिंदु मत विसरो। इस तरह से इस गीत को लिखा गया है, तो ये जो गीत आपने लिखा ये तीन बिंदु मत विसरो, ये किस आधार से आपने बनाया? साथ साथ ये जब गीत बनाया तो रमेश भाई ने इस पर क्या रिएक्शन दिए, वो आप थोड़ा सभा को सुनाइए, ये तीन बिंदु मत विसरो। जी 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 मिनेश भाई, मेरी बात अधूरी रह गई वो सफर में, कि गीतकार कितने आए और संगीतकार कितने मिले और गायक कितने मिले, सबके सहयोग से काम होता रहा, यज्ञ का काम होता रहा। तो पहले मैं जरा इसको आगे बढ़ा दूं कि गानों में जो गीत लिखने वालों में और भी श्रेणी है, हमारे मधुबन के कई भाई बहने हैं, इन दिनों में हमारे गोविंद भाई ने भी गाने लिखे, बहुत अच्छा ज्ञान सरोवर की महिमा का भी गाना लिखा, और भी उनके बड़े प्रिय है और उनका बड़ा उमंग उत्साह होता है। गोविंद भाई हमारे साथी हैं और साथ में रह करके बहुत सहयोग देते हैं, उनका जो पर्दे के पीछे जो सहयोग मिलता है मैं कैसे भी वो पर्दा कैसे खोल दूं, वो राज खोलना भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन ज्ञान सरोवर में जो भी गीत वगैरह होते हैं, यही नहीं गीत जो बनते हैं जो आप सब तक पहुंचते हैं, वो गीत केवल बनाने से काम नहीं चलता है, बनाने के बाद उसको जो बनवाना है, उसके आगे पुटअप करना है, उसका म्यूजिक डायरेक्टर ढूंढना है, उसको गवाना है, किससे गवाना है, तैयारी करना है, और सबसे बड़ी बात वो है जो अपनी जो यम जो है, जो मनी प्लान, जो मनी की बात है, उसकी तैयारी होती है, वो सब बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो मैं इस मौके पर अपने गोविंद भाई को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जो वो बड़े उत्साहित होते हैं और समय समय पर कहते हैं, साथ देते हैं और बनवाते हैं, मैं उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और हमारे दयाल भाई बैठे हैं, दयाल भाई तो करता धरता और हम सब दोनों मिल करके जैसे दीदी और दादी की जोड़ी थी, ऐसे ही लोग समझते हैं कि कल्चरल विंग में दयाल भाई और हमारी जोड़ी को इसलिए देखते हैं कि एक बुजुर्ग हैं, एक छोटे से हैं, और दोनों मिलकर के ऐसे नाचते कूदते हैं, इतना कल्चरल करते हैं, ऐसी बात करते हैं कि लोग बड़े आनंदित होते हैं, तो कहते हैं कि ये दोनों की जोड़ी, इनको देखते ही कल्चरल शुरू हो जाता है। तो दयाल भाई बहुत साथ देते हैं, दयाल भाई की बड़ी बात अच्छी लगती है, जब कहीं तारीफ होती है तो कहते हैं कि इनसे पूछो ये बनाया गाना किसने बनाया, बनवाया किसने, तो कहते हैं कि ये गाना इधर से आता है, अपनी तरफ बताते हैं। तो बड़ा अच्छा रहा कि दयाल भाई का, और बड़ा अच्छा साथ रहा शुरू से लेकर के कल्चरल विंग की सेवाओं में, हम सब मिल करके जो 20 वर्ष हो गए जो सेवा करते हुए, मुझे बहुत खुशी है कि दयाल भाई इतने उम्र दराज के होते हुए, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं कि मेरा शरीर इतना है, लेकिन हमारे साथ मिल करके खूब नाचे, खूब गाए, खूब गाना बनाए, खूब सुना और काफी प्रोत्साहन मिला। तो दयाल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारे नितिन भाई ये गायकी में बहुत अच्छे हैं। नितिन भाई अगर हमारे देखते होंगे हमारी बात को, तो नितिन भाई का सहयोग बहुत अद्भुत मिलता है गायकी के हिसाब से। वो कहते हैं गीत लिखो और फिर हम मिलकर के गाएंगे। तो ज्ञान सरोवर में जितने भी गीतों की प्रस्तुति होती है, नितिन भाई का और गोविंद भाई का अपूर्व योगदान होता है, सहयोग होता है। एक बात और कहना चाहता था मैं, गीतों की रचना में हमारे शांति वन में भी भानु भाई भी लिख लेते हैं, बीच बीच में कई गाने उनके लिखे हैं, जैसे बदलेंगे तस्वीर विश्व की,
परम पिता शिव की संतान, ये उनका लिखा हुआ है। हालांकि उनका नाम उस पर नहीं आ पाया, थोड़ा सा कभी कभी ख्याल में चलता है कि प्रॉपर सही ये होना चाहिए, उनका भी नाम होना चाहिए। और भानु भाई ने बहुत ढेर सारी सीडी बनाई, बहुत ढेर सारे कुछ गाने भी लिखे, लेकिन गाते रहते हैं। रमेश भाई भी हमारे साथ रहते हैं, नीचे शांतिवन में है, उन्होंने बहुत सारे गाने, अगणित गाने लिखे। हमारे गानों की तो कुछ गिनती भी है, उनके गानों की तो गिनती भी नहीं हो सकती है, बहुत ढेर सारे। और नीचे हमारे ग्रुप को साथ देते हैं। और इसके श्रेणी में, गीतकारों की श्रेणी में वर्तमान समय पर मैं एक बहन को नहीं भूल सकता हूँ। इन दोनों में ORC हमारे ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जो दिल्ली की हमारी सपना बहन है, उन्होंने जो गजब है गजब और कई गाने लिखे हैं। इन दोनों में एक बहुत अच्छी CD भी बन के आई है, उन्होंने बहुत अच्छे गाने लिखती हैं, इन दोनों बहुत अच्छा लिख रही हैं। मैं समझता हूँ कि आगे चल के प्रतिभाएं यज्ञ को बहुत अनमोल देन देंगी। और मैं खुश होता हूँ जब हमारी बहनें भी लिखती हैं। इनमें वापी की रश्मि बहन है, उन्होंने भी कुछ गाने लिखे, घबराओ ना मेरे भाई, कर लो जन्मों की कमाई, और ये नैनों में बाबा, ख्यालों में बाबा, ऐसे करके गाने दिए, और ढेर सारे गाने लिखती हैं, उनका भी शौक बहुत अच्छा है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब बहनें आगे आकर के वो गाने लिखती हैं। तो करती गीतकारों की बड़ी लंबी फेरिस्त है। हमारे कभी यहाँ माउंट आबू में भी एक रमेश भाई हैं, वो भी गाने लिखते हैं, और ढेर सारे हैं, किनका नाम बताऊं, गीतकारों की बहुत ज्यादा लिखे हैं। लेकिन इस तरह से ज्ञान से, गीतों से जो समृद्ध किया है, ये विभूतियां रही। दूसरे जो म्यूजिक डायरेक्टर मिले, उनमें मैंने देखा है कि शुरू से मुझे पहले तो अपने ज्ञान में आए और यहाँ पर उनको ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे संगीतकारों ने बहुत ज्यादा, आनंद के आनंद कुमार जो महाभारत में, रामायण में भी दिए हैं, उन्होंने गाने, यूथ के गाने बनाए हैं, वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। मोहन भाई के साथ गानों में बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर रहे जिनका मुझे कुछ पता नहीं है, मैं अदृश्य रूप से जो सहयोग दिए हैं अभी हमें ज्ञात नहीं है, मैं उनको भी याद करना चाहूंगा। और बाद में कालांतर में ओम व्यास जी ने जो यज्ञ के गानों को जो ऊंचाइयां दी, आज इतने गाने दिए हैं कि कमाल है, मैं कैसे भूल सकता हूँ दिव्या दीदी का, दीदी को और ओम व्यास जी को, जो उन्होंने यज्ञ को ऊंचाइयां दी। हमारी योगिनी बहन जी ने जो गाने बनवाए, उनके पास पिनाकिन शाह होते थे, उनके द्वारा जो गीत बनाए, और जो दीपक कपाड़िया थे और दूसरे लोग थे, उनके द्वारा जो गीत दिए और समृद्ध किए, पुराने पुराने गानों को जो दिया, कैसे CD बनती थी। रमेश भाई, उषा बहन ने ललित सूडा के द्वारा बनवाया, और आज के हिसाब से कुछ समय हुआ जब हमारे हेमंत भाई आए, हेमंत भाई ने जो गीत दिए, बड़े कमाल के दिए, बड़ा अच्छा लगता है कि क्या से क्या गाने बने और से दिए, बहुत अच्छा है। हेमंत भाई को हमारा विनम प्रणाम। तो म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने, मैं तो ये कहता हूँ कि गीत जो है वो सोए होते हैं, वो कहते हैं कि उनको जो धुने देते हैं तो उनमें एक नई आत्मा जिसे आ जाती है, वो कहते हैं नहीं, आत्मा तो गीत होती है, लेकिन गीतों को जो जामा कपड़ा पहनाते हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर पहनाते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा है कि बड़ा संजोग है कि बैटरी हमारी लो हो रही है, ये जाने वाली है, एक मिनट में जाने वाली। जी मिनेश भाई, आप कोई बात नहीं, हाँ हाँ, देखिए कितनी अच्छी बात है, तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सफलता का सहरा सबके बीच में बांट दिया, आपने बड़ों को आगे कर दिया और साथियों को साथ ले लिया और सफलता का सहरा सबके ऊपर, सर के सिर पर रख दिया, ये बहुत अच्छी बात, ये सीखने योग्य बात है। लेकिन इसके साथ साथ बैटरी जैसे आपकी एक्टिवेट हो जाए तो ये 3 बिंदु वाला क्वेश्चन जो है फिर आपको बोलना नहीं है उसका जवाब, और इसके बीच में थोड़ा टाइम है तो भाई और बहनों एक क्वेश्चन करता हूं मैं सभा में, जो इसमें गाने वाले हैं उनको ये क्वेश्चन नहीं है, अस्मिता बहन के लिए नहीं है, दीदी के लिए नहीं, दयाल भाई के लिए नहीं, सरोजिनी माता के लिए नहीं है, बाकी जो भाई और बहनों है उनको एक क्वेश्चन करता हूँ, आप हाथ खड़ा करके जवाब देना, हाँ मतलब आप हाथ खड़ा करना जब तक सतीश भाई बीच में ये पूरा कर लेता हूँ छोटा सा, क्या यज्ञ के जो इतने, मैं समझता हूँ 3500 से ज्यादा गाने हमारे रिकॉर्ड हुए हैं और शिव बाबा ने हम बच्चों के लिए बहुत वैरायटी गाने बनवाए हैं, तो क्या लता जी ने एक भी गाना यज्ञ के लिए गाया है बाबा का, या कहो ब्रह्मा कुमारी इसका,
एक भी गीत गाया है लता जी ने? आप हाँ या ना में हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए। अगर आप हाथ खड़ा करते माना हाँ जवाब होगा। भाई गोविंद भाई अभी अभी आपका आवाज आ रहा है, अनम्यूट है, बोलना मत। हाँ या ना, क्या लता जी ने एक भी गाना यज्ञ के लिए या ब्रह्मा कुमारी के लिए गाया है? छाया बहन हाँ कह रही है। छाया बहन को भी जवाब नहीं देना है वास्तव में, क्योंकि हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर शंकर भाई जी जो है, आप उनकी लौकिक बहन है तो आपको पता होता है, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री वाले है ना आप लोग, तो हेमंत भाई भी जवाब नहीं देंगे। हाँ भाई स्क्रीन घुमाना। अंजलि बहन हाँ कह रही है। भाई गाया है अंजलि बहन? गाया है। अच्छा एक मिनट देखते हैं भाई, दूसरा स्क्रीन जरा देखो तो सतीश भाई ये भी देख ले कि तुमको क्या पता है। मैं नहीं समझता कोई कह रहा है कि गाया है। अच्छा ठीक है। अच्छा अंजलि बहन आप ही सुनाओ, आप कह रही हो कि लता जी ने कोई गीत गाया है, तो वो कौन सा गीत गाया है? ऐसे कैसे? मैंने सुना है यूट्यूब पे, लेकिन मुझे अगर गाया है तो कौन सा? अच्छा भाई और कोई कह रहा है कि गाया है? कोई भी एक भी गाना क्या गाया है लता जी ने? आइए वर्षा बहन कुछ कह रही है। सतीश भाई चेक तो करे क्या बात है। हाँ वर्षा बहन बोलिए। हाँ गाया है। कौन सा? कौन सा एक गाना लता जी का है ऐसा, लेकिन याद नहीं आता। ऐसे नहीं, वो तो तुक्का हुआ ना। आप ऐसे नहीं, आप प्रॉपर जवाब दीजिए। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सुना देता हूँ कौन कोई कह रहा है अभी। गोविंद भाई आप सुना दीजिए कौन सा गाना है। गोविंद भाई आप बोले, अनम्यूट करना, बोलो। एक गाना सिर्फ गाया है लता जी ने ब्रह्मा कुमारी के लिए। जय गोपाल भाई जो हाँ, उनके सामने वो रियली में मुझे भी बोल टच नहीं। परीक्षा आ गई देखो। हाँ, तो मैंने आपने ये कैसा जादू डाला है। वो सब बाबा तो बस मेरा है। जय गोपाल जी के साथ गाया, बहुत सुंदर गाना एक है भाई और बहनों। लता जी ने एकमात्र गाना ब्रह्मा कुमारी इसके लिए गाया है, और अंजलि बहन कुछ कह रही है, और वो गाना जय गोपाल जी के साथ। तू जो मिला नहीं, तू जो मिला बाबा, वो लता जी ने नहीं गाया है। और नहीं, ये जो गाना लता जी ने गाया है जय गोपाल के साथ, वो गाना भी सतीश भाई के द्वारा लिखा गया। भाई और बहनों वो गीत में इतनी रूहानियत है, आप ध्यान से सुनना, इतना आनंद आता है कि बात मत पूछो। तो वो गाने की रचना भी शिव बाबा ने समझो सतीश भाई के द्वारा करवाई। सतीश भाई मैं समझता हूँ अब बैटरी ठिकाने पे आ गई है, तो 3 बिंदु अभी हमको आना है। जी कुछ कह रहे हैं मिनेश भाई? कौन? नहीं आप कहे। जी मैं कहता हूं कि ये चूंकि सबको पता नहीं है, लेकिन किस मुकाम पे कहा उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के लिए नहीं गाया, आज ये अपने जयगोपाल जी ने अलग से व्यक्तिगत रूप से गाया, और जाकर के किस तरह से पहुंचे हैं कैसे बताया है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के बारे में ऐसा कहकर उन्होंने बताया, लेकिन बहुत अच्छा वो गाना बन गया है, और ये अपने लिए बहुत खुशी की बात है कि यज्ञ को क्योंकि उन दिनों में लगभग गाना तो लगभग पूरा हो गया था, गाती नहीं थी, तो लता जी ने गाया है। बहुत फख्र है कि एक गाना कम से कम गाया। आशा भोसले जी ने 7-8 गाने गाए हैं, और अब गायकों की श्रेणी में बता दूं आपको, गानों में जो हमारे गायक हैं महेंद्र कपूर जी ने बहुत ढेर सारे गाने गाए पुराने गानों में से, और महेंद्र कपूर के अलावा जो है जितने भी हैं सुरेश वाडकर हैं, सोनू निगम हैं, कुमार सानू हैं, शान हैं, और अभिजीत हैं, भट्टाचार्य जी हैं, और या ये जितने भी हैं अनूप जलोठा जी हैं, पंकज उदास हैं, मनहर उदास हैं, जितने भी हैं भारत के जितने भी सिंगर्स हैं भाई में, उन सब ने गाने गाए हैं, और कई ढेर सारे ऐसे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, उन्होंने भी गाना गाए हैं। बहनों में आशा लता जी ने 1-7-8 गाने आशा जी ने गाए हैं, उषा मंगेशकर ने गाना गाया है, और इसके अलावा जो है अनुराधा पौडवाल जी ने गाया है, कविता कृष्णमूर्ति ने बहुत गाना गाया है, साधना सरगम ने अनंत ढेर सारे गाने गाए हैं, और इसके अलावा और भी इन दोनों में बहुत अच्छी अच्छी गायिका है, श्रेया घोषाल जी ने भी गाया है। तो कहने के भाव है अपने गीतों में जो समृद्धि आई है वो सबके सहयोग से आया है, बहुत सुंदर से गाने गाए हैं। हमारे बीकेस में गाने वालों में हमारी अस्मिता बहन ने बहुत ढेर सारे गाने गाए हैं,
नितिन भाई बहुत अच्छा गाते हैं, एक युवरतन भाई भी हैं बहुत अच्छा गाते हैं, और मधुरवाणी ग्रुप के गीत जो भी हैं भाई बहने वो सब गाते ही हैं, और गोविंद भाई भी बहुत प्यार से गाते हैं गोविंद भाई अपने। तो इस प्रकार से गायकों की एक बड़ी लंबी परंपरा है। मैं मिनेश भाई, मेरे साथ में रमेश भाई आए हैं रूहानी उड़ान वाले, पास में बैठे हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदान, अच्छे अच्छे गाने बनाए, और ये सामने बैठे हैं आजकल तो चैनल चला रहे हैं। कल इन्होंने हमको गाना सुनाया है, एक गाना विवेक भाई के गाने का म्यूजिक दिया, तो भी म्यूजिक भी म्यूजिक डायरेक्टर भी है, गीतकार भी है और कवि भी है, एक पास मल्टी और चैनल चलाना अपने में बहुत बड़ा काम है, मेरे साथ बैठे हैं, तो इनको भी मैं नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूं। रमेश भाई का भी सभा में स्वागत है, मैं रमेश भाई को रुस्तम जी कहता हूँ, बड़ी पहुंची हुई हस्ती है रमेश भाई पर्दे के पीछे की, तो रमेश भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है। और सतीश भाई पुनः उस क्वेश्चन पे आते हैं, तीन बिंदु हाँ, तीन बिंदु की बात ऐसी हुई कि रमेश भाई जब गाने पहले सुनते थे तो प्रायः रमेश भाई कम जो है तारीफ करते थे। मिनेश भाई हाँ सुन रहा हूँ, अक्सर करके प्रायः जो है रमेश भाई गानों की तारीफ नहीं कहा किया करते थे, लेकिन जब उनको अच्छा लगता था तो बिना तारीफ किए रहते नहीं थे। तो जब ये गाना बन गया है कि भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी, तो जब ये गाना बना और गाना जब तक बना तब तक उन्होंने अच्छा कहा नहीं, और रिकॉर्डिंग के टाइम पर भी थे, इस गाने को उन्होंने ये नहीं कहा कि गाने में मजा नहीं है, इस गाने को तो उन्होंने ले लिया, लेकिन प्रशंसा भी नहीं की उन्होंने कि गाना अच्छा भी है। लेकिन जब गाना बन के आया, उसका वीडियो भी बना, तो कहा देखा आपने वीडियो बन गया गाने का, तो मैंने कहा भाई साहब नहीं, कही आप लोग करते क्या है, इतना गाना इतना अच्छा बना है, अरे कुछ तो करो, आप लोग सुनते भी नहीं देखते भी नहीं। फिर मैंने देखा तो उन्होंने कहा अरे सतीश भाई आपके गाने तो इतने बज रहे हैं, जब भी हम जो गीत का जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अब मैं थोड़ी सी उनके पास आना चाहता हूँ, तो म्यूजिक डायरेक्टर जो दिए उसमें रविंद्र जैन ने बहुत काफी गानों का धुन दिया, ओम व्यास जी ने बहुत ढेर सारे गानों को धुन दिया, रमेश हमारे हेमंत भाई ने इतने गानों की दिए कि अब गाने इनके तमाम, और मैंने महसूस किया गानों के साथ जो हेमंत भाई जो जस्टिस देते हैं, जो निर्णय करते हैं कि इस गाने को इस ऐसे धुन में गाना चाहिए, इस गाने का शब्द शब्द को क्या ऊंचाई देना चाहिए, जो हेमंत भाई ने दिया उसका तो बेमिसाल है। और हेमंत भाई से मैं चाहूंगा कि इस मौके पर वो दो शब्द अपनी भी शुभाशीष के जरूर दें, हेमंत भाई दे। और इसके अलावा और भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो कहीं पर्दे के पीछे भी हैं, बहुत सारे धुन बनाए हैं, हमारे गीतों के रचनाकार में नंदलाल जी हैं, आगरा के हैं, उन्होंने बहुत अच्छे गीत जिसे बनाया है, उन्होंने वो मुस्लिम भाई बहनों की सेवा के लिए उन्होंने बनाया था, तो बहुत अच्छे अच्छे गीत आए हैं। मैं हेमंत भाई की तरफ मुखातिब होऊंगा कि वो भी दो शब्द जरूर इस मौके पर बोले। जी हेमंत भाई संगीत के शहंशाह हैं, तो हेमंत भाई आपको तो टास्क दे दिया है सतीश भाई ने, लेकिन खास मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इतने सुंदर गानों की रचना सतीश भाई ने की और उतनी ही सुंदर तरीके से आपने उस पर ट्रैक तैयार करवाया, संगीत तैयार किया है, तो ये जो रचनाओं पर आप काम कर रहे हो तो आपको क्या फीलिंग आती है, आपके मन के भाव भाई और बहनों को सुनाए। सबसे पहले तो सभी को ओम शांति, मेरा सादर नमस्कार। आज बहुत वरिष्ठ भाई बहन जुड़े हुए हैं और मिनेश भाई बहुत अच्छा आपने आज का विषय रखा। क्यों रखा? क्योंकि मेरा ये मानना है कि बाबा का जो संदेश गीत संगीत के माध्यम से जितना आसानी से सरलता से, खासकर नए लोगों को जितना आसानी से मिलता है, और हमारे योगी ब्राह्मण भाई भी जो जब योग में बैठते हैं तो उनको जो उसकी सहूलियत होती है योग लगने में और बाबा से तार जुड़ने में, तो वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं ये हमारे गीत संगीत। और आज भाई सतीश भाई जी के गीतों को मुख्य रूप से हम केंद्रित करके बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बहुत ही बड़ा योगदान ये जो इतने विनम्र और इतने गुणी गीतकार हैं, मगर इनकी जो व्यक्तित्व की सरलता है ये इनको बिल्कुल विशिष्ट बनाती है।
और इनकी ये सरलता ही है जो इन्होंने इतने अरसे से इतने लोगों के साथ काम करते हुए सबके साथ मिल के काम किया है, और ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। मैं प्रभु शरण आओ के समय से मेरा अनुभव इनके साथ बहुत ही अच्छा रहा। जब भी दिव्या बहन ने कोई इनको सुझाव दिया, मैंने सुझाव दिया कि मीटर में नहीं है या बढ़ रहा है, तो उस भाव को रखते हुए और बेहतर लाइन इन्होंने दी, एक नहीं दोबारा दोबारा नहीं तीसरी बार, और कभी मुंह नहीं बनाया, कभी कोई ईगो नहीं लाए बीच में कि मेरे हजारों गीत रिकॉर्ड हो गए तो आज आप इस गीत के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ये ऐसा करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि मैं फील्ड में जब काम करता हूँ हमें भी लगता है कोई ट्यून बनाई तो, और कुछ गाने जो बाबा ने इनके गीत जो मेरे जरिए कंपोजिशन करवाए हैं, जैसे मुझे लगता है तपते मन को, तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, मतलब ये शब्द ऐसे हैं कि ये एक गीतकार के कहे हुए नहीं लगते, ये एक योगी आत्मा के जैसे उतरा हुआ भाव है कागज पे कलम पे, ये प्रत्यक्ष है। या कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, ये मन के उद्गार है, सिर्फ कलम के जरिए ये उतरे नहीं है, ये मेरा मानना है। ऐसे ही वो भी वर्तमान में इतने गीत हैं जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। एक खास तौर पे धन्यवाद तेरे एल्बम का, दुनिया का शोर दम भर को छोड़, जब मन का मौन हो जाता है, चंचल चित का चातक पंछी नीले नभ में खो जाता है, आनंद अलौकिक पाता है, आनंद अलौकिक पाता है, ऐसी ऐसी बात वही लिख सकता है जो अमृत वेले उठ के बाबा के प्यार में संपूर्ण रूप से डूब गया हो। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे योगी सतीश भाई को सादर नमन करता हूँ, उनकी कलम को भी, और ये प्रार्थना करता हूँ कि बाबा ऐसे कालजी गीतकार को बहुत स्वास्थ्य लाभ दे, इनको बहुत बहुत ताकत देता रहे, क्योंकि ये गीत ही ऐसे है कि गीतों की आप पंक्ति को याद करो, आप मेडिटेशन में बैठ जाओ, कुछ मत करो, बाबा को देख के तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगति मिली, ये अपने आप में ही पूरा पूरा जैसे ब्लेसिंग मिल रहे, आपके वरदानों में पल रहे हम बाबा, हाथ लेकर हाथ में साथ चल रहे बाबा, मतलब कोई भी गीत की आप लाइन उठाओगे तो ऐसा लगेगा आपका बाबा से योग हो गया। तो गीतों के लिए ही मैं आज कहना चाहता हूँ, बाकी मेरा मनमीत जहां दूजा है कोई और नहीं, ये सब गाने इतने अच्छे लगते हैं कि शब्दों से कोई जाए ना लेकिन आपके धुन से चले जाते हैं। नहीं, ये आपकी सरलता है सतीश भाई। मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूँ कि प्रभु शरण से मेरा अनुभव ये रहा है बाबा के गीतों के लिए, कि उसके पहले कमर्शियल वर्ल्ड में बहुत काम किया मैंने, करता हूँ, उसके लिए हमें धुनें बनानी पड़ती है, मूड बनाना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं, किंतु बाबा के प्रभु शरणाओं से लेके जो भी धुनें बनी है, ये सारी धुने एक या दो मिनट के मेडिटेशन के बाद तत्काल बनी है, दिव्या बहन के सानिध्य में बनी है, सबके सामने बनी है, कभी कोई धुन ऐसे नहीं बनी कि ठीक है जी मैं दो दिन सोच के बनाता हूँ, ये बाबा की ब्लेसिंग है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, और इसके लिए मैं बाबा का हृदय के अंतःकरण से मैं परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उसने मुझे ये चांस दिया, मुझे उसने सेवा के लायक समझा, और बाबा हमेशा सेवा लेते रहे। अभी हमारे अस्मिता बहन जी बैठी हैं, मम्मी जी बैठी हैं, मम्मी जी सादर नमस्कार, ओम शांति। जब मेरा बाईपास हुआ था 2011 में, तत्काल बाद में अस्मिता बहन और मम्मी जी आए थे, नमस्ते ओम शांति। तो अस्मिता बहन के साथ एक मेरा शिव बाबा, मेरे तो शिव बाबा एक जो एल्बम हमने बनाया, उस दौरान भी मैंने ये अनुभव किया कि अस्मिता बहन और मम्मी जी इतनी कॉन्शियस रहती थी एक एक गीत के शब्द के बारे में, और सतीश भाई से बात कर रहे हैं, फिर अंतरों पे काम हो रहा है, फिर हम उसको धुन में पिरो रहे हैं, यानी एक टीम की तरह से। तो सतीश भाई ने तब भी कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई ठीक है अब तो मैंने दो बार लिख दिया है, अब तो मैंने तीन बार लिख दिया, अब परिवर्तन नहीं हो सकता। और बहन का भी इतना डेडिकेशन था कि इसको मैं अच्छे से अच्छा, उससे भी अच्छा कैसे बनाऊं। तो जो भी उस समय में परिस्थिति अनुसार हम मेहनत करके बना सके, अभी भी वो गीत बहुत ही प्रिय है, सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है, और मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, दर पे तुम्हारे आए थोड़ा सा सर झुकाए, सारे गीत
बेहद बाबा बेहद करते हम बच्चों को प्यार, बहुत ही प्यारे गीत हैं और अस्मिता जी की आवाज से वो बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही प्यारे और अमर बन गए हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि वो धुने बाबा बनवा लेता है, मेरा उसमें कोई विशेष योगदान नहीं है, सब बाबा की कृपा है और आपके गीतों का वो उन लाइनों का अपना चमत्कार। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि बाबा ने मुझे इस लायक समझा। जब हम ये गीत बनाने के समय पर जो सिटिंग हुई थी, वो सिटिंग्स जो थी वो अपने आप में मेडिटेशन सेशंस थे। ऐसा अभी भी मुझे याद आता कि हम जब बैठकर वो गीत बनाते थे, आप बनाते थे, हम सुनते थे, तो जैसे कि वो समय खाली गीत संगीत का नहीं होता था, वो एक योग का समय था और बहुत अच्छी अनुभूति का समय था। जी जी बहन, और ये मेरा आज ये संकल्प ये है कि और बाबा के कुछ बहुत अच्छे गीत हम लोग हमारी टीम मिलके बनाए जब भी ऐसा अवसर हो, और बाबा किसी भी सेवा के लिए कभी भी याद करें तो हम लोग मिलके अच्छे से अच्छे गीत बना सकें, ताकि ब्राह्मण आत्माओं का योग लगे और पूरे विश्व में हमारे बाबा का, बाबा तो सतयुग की स्थापना का महान कार्य करवा ही रहे, तो हमारा भी कण मात्र सहयोग हो तो बहुत खुशी होगी। और मिनेश भाई आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने आज सतीश भाई का जो इतना बड़ा एक गीतों के माध्यम से योग सहयोग रहा है यंग को, वो आज आपने एक थोड़ा सामने लाने का प्रयास किया, तो मुझे बहुत हार्दिक खुशी है। और बहन ने तो भाई बहुत गीत गाए, अस्मिता बहन ने तो, अब वो भी और बताएंगी। और खासकर जैसे अभी तुमको निहारने को, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ सतीश भाई, इसमें मजाक करता हूँ, आप सारे भारी भारी गीत मेरे पास ही लेके क्यों आते हो? तो मजाक करते हैं, मैंने कहा तुमको निहारने को जब लाए तो बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा हाँ ये अच्छा है, नहीं तो तब ते मन को मेरे आप तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। अभी चार लाइन का स्थाई है मगर इसका भाव इतना गहरा है, हालांकि इसको कंपोज करना थोड़ा चैलेंज होता है, लेकिन वो बाबा ने करवाया। हेमंत भाई ऐसा है ना, जिसमें जो एबिलिटी होती है उस प्रकार का उसे काम दिया जाता है, इसलिए इसमें सतीश भाई की गलती नहीं है। और एक बात सभा को सुना देना चाहता हूँ, मैंने खास आपको पर्सनली भी कही थी हेमंत भाई, कि जो दुनिया का गाने का आपने उल्लेख किया, उस गाने को स्वरांकन आपने किया हुआ है और बहुत ऊंचाई पर आपने उस गीत को ले गए है, आप ले गए है, और ये मैंने पर्सनली भी आपको बताया भाई और बहनों, वो गीत आप ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरह से उस गीत को गाया गया है और उसमें जो स्वर है जो गाया गया है वो हेमंत भाई के द्वारा गाया गया। अभी और बहुत सारी हस्तियां इस सभा में हैं, तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं हमारी मीठी बहन अस्मिता जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मैं इस तरह से आपकी पहचान करता हूँ, वैसे हमारी बात कभी नहीं हुई अस्मिता बहन, हमारे सतीश भाई जो है ना वो रनवे मेकर है, एयरपोर्ट पे रनवे चाहिए वो रनवे मेकर है, लेकिन आप जो है ना वो पायलट है, क्योंकि रनवे भले कितना अच्छा हो, डिसिप्लिन मैनर का हो, लेकिन पायलट के ही हाथ में है कि वो स्थान पर पहुंचावे, तो स्थान पर पहुंचाने की सेवा अस्मिता बहन जी करती है, क्योंकि इस गीत को स्वर देना और वो भाइयों बहनों को तृप्ति देना वो काम आपके जिम्मे होता है। तो ये जो रचनाएं आप इतनी सारी गाती है, तो आपको क्या फीलिंग होती है, आपके मन के भाव आज हम सबको आप सुनाए अस्मिता बहन। ऐसे जैसे अभी हम सुन रहे थे हेमंत भाई की बात, कि सतीश भाई जी की जो योग की बहुत अच्छी स्थिति है, वो स्थिति इन गीतों में उतर के आती है, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि योग के साथ साथ जो जीवन की धारणाएं हैं, जो आज आप सुन ही रहे हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं, कि जो एक योगी की धारणाएं होनी चाहिए, कैसे अपने आप को बिल्कुल अहंकार से मुक्त रखना, निमित्त समझना, बड़ों के आज्ञाकारी होकर चलना, यज्ञ के फुल फेथफुल होकर चलना, तो ये जो सारी धारणाएं हैं ना, ये भी उन सब गीतों का एक फाउंडेशन। तो जब हम वो गीत गाते हैं तो उसके जो शब्द हैं और फिर हेमंत भाई जैसे उसमें ट्यून लगा दें तो फिर बात ही क्या है, तो गाते हैं तो पूरा उस फीलिंग में खो जाते हैं। और यही कारण है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसे तो बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं, एक से बढ़कर एक जिन्होंने अपने गीत गाए हैं, और मेरे अंदर तो कोई वो प्रोफेशनल टैलेंट तो नहीं है, पर जो अनुभूतियां हैं
जो इन गीतों के द्वारा इन शब्दों से और बाबा से हमें मिलता है, तो वो अनुभूतियां ही लोगों को सुनाई देती है मेरे ख्याल से। मेरे गले की आवाज से ज्यादा वो अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो सुनते हैं लोग। और इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि हमारे बाबा के जो बच्चे हैं ना, उनके जैसे गीतकार कहीं नहीं दुनिया में मिलेंगे, उनके जैसे संगीतकार भी नहीं मिलेंगे, उनके जैसे गाने वाले भी कहीं नहीं मिलेंगे जो दिल से फील करके गाते हो, और उनके जैसे सुनने वाले भी कहीं नहीं मिलेंगे। क्योंकि ऐसे सुनने वाले कान जो दिल की आवाज को सुने और फिर उस फीलिंग में खो जाए, तो इसलिए सब बाबा के बच्चों की भी महिमा है जी। तो ये सब भाव हैं। और आज से लगभग 32 साल पहले पहली बार मैंने सतीश भाई का गीत सुना था और कविता पढ़ी थी, तो उस समय मुझे लगा कि ये इतना मतलब परफेक्ट लिखते हैं, उसको मेरे ख्याल से धुन देना बहुत आसान है, नहीं तो थोड़ा भी खींचा तान होती नहीं है शब्दों में, जैसे नेचुरल सब जैसे एक फ्लो होता है शब्दों में और अर्थ में। व्याकरण वगैरह तो बात ही मत पूछिए, वो तो जैसे मालिक है, शब्दों के भंडार के मालिक है, और कितना सागर है। इसलिए कहा ना कि अगर कोई रिप्लेस करने के लिए बोलो तो उनके पास एक से बढ़कर एक शब्द होते हैं जी। तो साथ साथ उस समय जब सुना पहली बार, तो सतीश भाई आपको याद होगा, मैंने कहा कि आपकी कविता तो बहुत अच्छी है। और फिर उसी समय जब मैं मधुबन में थी, तब दादी जी कहीं से आई थी, बड़ी दादी जी कहीं टूर करके आई थी, और मुझे कहा गया कि आप गीत गाओ। तो उस समय सतीश भाई ने मुझे गीत दिया था जो बाद में अभी जाके रिकॉर्ड किया है, वो है झूम झूम हर कली बार बार कह चली आप जो पधारे। वो इतना स्वीट गीत, इतना मतलब क्या उस गीत की एक ब्यूटी अलग। तो वो पहला गीत शायद सतीश भाई ने बताया हुआ, मैंने वहां पर मधुबन स्टेज पर गाया था। और थैंक्स है सतीश भाई का, बाबा का तो है ही। ये मुझे भी सुंदर, ये मुझे भी याद अभी आ रहा है जब आप सुना रहे हैं। तो तो ये जब गीत हम गाते हैं, इन गीतों के द्वारा बाबा ने इस आत्मा को दादियों का इतना प्यार दिलाया है कि बात मत पूछो। यज्ञ का और ब्राह्मणों का तो दिलाया ही है, दुआएं तो मिली ही है, लेकिन ये गीत हमको दादियों के बहुत करीब लेकर गए। तो इसलिए सतीश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं आपको ये धन्यवाद, और नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनफ नहीं है खाली इतना बोलना, लेकिन ये जान है, इसके बिना शब्दों के बिना क्या ट्यून है, अर्थ के बिना क्या उसकी हम किस बात का हम गाएं, किन शब्दों को हम गाएंगे। और पहले मैं गीत गाती थी, ज्ञान मिलने से पहले भी गाती थी, उस समय ज्यादा गाती थी, और फिर जब ज्ञान मिला और इस राह पर आगे बढ़े तो गीत गाना मैंने कुछ बंद सा कर दिया था। और उसका मूल कारण ये था कि पहले जो गीत गाते थे, संसार के गीत तो कैसे होते हैं, कभी गजल गा दी, कभी कोई ऐसी, भले आप शास्त्रीय गीत भी गाओ संगीत भी गाओ, लेकिन उनमें जो भाव होते थे वो बड़े लौकिक भाव और उस तरह के होते थे, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था गाना। मुझे ऐसे लगता था वो मैं गाऊंगी तो मैं लोगों के मन में क्या डाल रही हूँ, कौन से भाव पैदा होंगे सुनकर। तो जब हम ज्ञान में आए और सतीश भाई के ये और भी कुछ भाई, लेकिन मुख्य रूप से मैं समझती हूँ सतीश भाई के ही लिखे हुए गीत मैंने गाए, तो उनमें जो ओरिजिनल भाव मिला है, ओरिजिनल ज्ञान का, जो लोगों के मन में इतनी पॉजिटिविटी पैदा करे, तो इसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को, जो ऐसे शब्द मिले जिनको मैं गा पाई, और फिर मेरा गाना शुरू हुआ। बड़ी अच्छी बात ये रही है कि दिव्या, जो दिव्यता है गानों में, जो डिविनिटी है, वो अस्मिता बहन के गीतों के माध्यम से मिला, तो ऐसा लगता है कि वो बड़ी बाबा से एकदम बड़े नजदीक की टच है। जैसे आपने कहा कि दादियों का प्यार मिला, तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि हम दादियों के साथ में रहे और जो भी मिला वो दादियों का प्यार मिला, एक दादी ने, बड़े भाई ने, बहनों ने और ईश्वरी परिवार ने जो दिया, वो
आप बाहर की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से हम कोई विद्वान नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन बराबर प्रोत्साहन दिया, कैसा भी रहा उन्होंने चांस दिया, उन्होंने सेवा भी दी और प्रोत्साहन भी दिया, आशीर्वाद भी दिया, इतना प्यार दिया कि गोद में लेकर के इतनी टोलियां खिलाई, इतनी बोलियां सुनाई कि क्या कहा जाए। और इस मौके पर मैं चाहूंगा कि माता श्री भी कुछ आशीर्वचन जरूर दें। हाँ, इससे पहले अस्मिता बेन जी, कोई गाना जो सतीश भाई ने लिखा और आपने गाया, वो आप सबसे ज्यादा पसंदीदा आपका वो गाना कौन सा है? सारे ही पसंद है। नहीं, वो तो है, स्वाभाविक है, उसमें भी क्योंकि नंबरवार तो होते हैं जी। आपके दिल के करीब कौन सा गाना सबसे ज्यादा, क्योंकि एक माँ बच्चे माँ को पसंद होते ही है, लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगा सबसे फेवरेट गाना उसमें आपका कौन सा है? बहुत मुश्किल है ये जवाब देना। ओके। लेकिन कुछ गीत है जैसे उसमें जो एक काव्य रस भी बहुत है, जैसे बड़े दिनों पर मेरी हुई जब मुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्ही ने देखा, सुन ली मेरी बात जी। और उसमें जो वो भाव है ना कि मैंने एक दिया जला के रखा था, जब दिया बुझा, अब मैं पन का दिया, तो वो जब बुझा तब मैंने देखा कि अरे चंद्रमा की रोशनी की बरसात हो रही। जब तक मैं अपने मैपन के दिए में सीमित मेरा ध्यान था, तब तक वो चंद्रमा की रोशनी मुझे नजर ही नहीं आ रही थी जी। तो ऐसे ऐसे सुंदर भाव वाले गीत है ना, एक से एकदम गहन भाव है। मेरी तस्वीर की तकदीर, मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले जयंती दीदी को भी बहुत प्रिय लगता है जी। जी, मैं माता जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा, माता जी ने भी कई गाने भाई और बहनों गाए हैं, तो सरोजिनी माता आप भी अपने भाव प्रदर्शित करें। शांति। ओम शांति। पहले मैं सबको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ नितेश भाई, फिर हमारे आचार्य जी भाई, तो सभी और जो भी सभी सुनने वाले हैं, तो उनको पहले धन्यवाद करती हूँ कि मुझे कुछ बताने का अवसर मिला है। और शुरू में ये बात है कि शिव बाबा का कितना धन्यवाद करूं, क्योंकि जब मैं ज्ञान में आई 1977 में, तो ज्ञान के साथ संगीत, संगीत के साथ ही ज्ञान में आई, केवल ज्ञान सुनकर नहीं आई, क्योंकि संगीत से जब मैं ज्ञान सुनाने लगी तब तो मुझे निश्चय होने लगा और बाबा मुझे कैसी मदद करता है हर बात में, इसका एहसास हुआ। तो इसलिए मैं पहले बाबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे संगीत के जरिए मुझे ज्ञान में प्रोग्रेस भी मैं कर सकी। आमिर चंद भाई जो पंजाब में है, तो वो शुरू शुरू में मुझे याद है, जब हम बारिश में भी स्कूटर पे बैठ के क्लास जाते थे, तो वो कहते थे आपको 100 मार्क्स हैं ज्ञान में, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी आप इतने दूर से आए। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो आत्मा है, मुझको उंगली दिखा के उन्होंने कहा, ये जो आत्मा है ये संगीत के कारण ऊपर जाएगी, मतलब संगीत के कारण बहुत आगे बढ़ेगी। तो ये मुझे आशीर्वाद सबके मिले। और उसके बाद मैं पहला गीत जो गाया वो भी योगिनी बहन जी ने मुझे बहुत अच्छा अवसर दिया गाने का, पहला रिकॉर्डिंग मुझे, शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए, ये गीत गाया मुंबई में जाके, और वो एक बार गाया और उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि उस समय रात के 11 बजे थे, तो मेरे पास वो उनके पास समय नहीं था ज्यादा बैठने का, तो सारे गीत वो इसी प्रकार एक बार ही गाके बने हुए हैं। तो ये गीत मैं क्यों बताया, क्योंकि इस प्रकार ये संगीत की जो रचना है, वो रचना में गेय जो भाग होता है, मतलब जो शब्द जो होते हैं वो गेय होने चाहिए, तो इसलिए मुझे उसी समय से ये ध्यान रहता था कि ये गीत आया है मेरे हाथ में, लेकिन इसमें कैसे मैं बदल दूं, इसके शब्द भी कैसे बदल दूं, और इसमें राग भी कौन सा डालूं, क्योंकि मैं गीत की धुन भी बनाती थी उस समय। तो मैं बाबा के कमरे में जाती थी और पहला जो ये गीत गाया शिव बाबा जब से, तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा इसको कौन से राग में बांधूं, क्योंकि मैं क्लासिकल सिंगर थी, तो इसलिए मुझे रागों में बांधना अच्छा लगता था। तो
मुझे बाबा से एकदम रिस्पांस मिलता था कि ये इसमें उमंग उत्साह का राग चाहिए। जैसे मॉर्निंग में जो गीत गाते हैं तो सभी उठते फ्रेश होते हैं, वैसा राग होना चाहिए और उसमें व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। ये बाबा ने भोग संदेश में बताया था। जब भोग मुंबई में पहला रिकॉर्डिंग हुआ तो उस समय भोग लगा था, गुरुवार का दिन था, तो उस समय वो भोग के संदेश में वो दीदी ने बोला था कि आपको मैंने बाबा के सामने आपके गीत बताए कि ये गीत आज बाबा का बच्चा गाने वाला है, पहली बार ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो बाबा क्या सजेशन है। तो बाबा ने बताया, दो सजेशन बताए। बाबा ने कहा कि पहले जो बाबा का बच्चा जो गाता है उसमें व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, उसमें खुशी होनी चाहिए, ये बात बताई। और दूसरी बात, जो भक्ति में होती है व्याकुलता होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए इसमें। और दूसरी बात बताई कि आप जो गीत गा रहे हो उसमें नया वाद्य ऐड करो। तो नया वाद्य तो उन्होंने, बाबा ने कहा कि वो इशारा करके बताया कौन सा वाद्य, और वो मैं समझ गई क्योंकि वो संदेशी बहन जो बता रही थी उसे मैं समझ गई। मैंने कहा इसमें सरोद होना चाहिए, सरोद वाद्य, क्योंकि जो पहले गीतों में नहीं ज्यादा यूज किया है। तो इस प्रकार बाबा की बहुत मुझे मदद मिली है गीत के कारण। और जैसे गीत बनता है, उसकी धुन बनाते हैं, गाते हैं, ये तो सारा प्रवास होता है। इस जर्नी में मेरा योग लगा ही रहता है। और इतना ही नहीं कि जब जब वो गीत सुनती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं बाबा से मिलन बनाती रहती हूँ, और वो जो क्षण है वो मैं कभी भी भूल नहीं सकती। तो इसलिए ये संगीत जो है इसका अब सतीश भाई के साथ मैं संबंध जोड़ती हूँ कि इस कारण सतीश भाई का मेरा परिचय हुआ। क्योंकि संगीत के क्षेत्र में मैं घूमती फिरती थी, मुझे बड़ी दादी कहती थी कि आओ मेरे रेडियो सिंगर आओ, क्योंकि उस समय टीवी नहीं था, तो उनको बहुत खुशी होती थी मुझे मिलके, और मुझे कहती थी गीत गाओ, नया बनाया है कोई गीत। तो उस समय मुझे सतीश भाई का परिचय हुआ और मैंने बहुत अच्छा समझा कि वाह, मुझे सब इतने सारे काव्य मिल रहे हैं रेडीमेड, और उनका काव्य तो ऐसे इंस्टेंट होता था, कुछ सोचना नहीं, बस आज कहो सुबह तो शाम को काव्य तैयार। तो इस तरह उनकी जो ये खासियत है, और शब्द तो ऐसे जैसे मोती पिरे हुए या फूलों की माला है, ऐसे शब्द ऐसे मिलके मैं बहुत खुश होती थी। और मधुबन में जब जब मुझे रहने का मौका मिला, दो तीन मास में रहती थी हमेशा, तो उस समय मैं हमेशा सतीश भाई जी के पास जाकर के उनकी डायरियां ढूंढती थी, और सारी डायरी कौन कौन से अच्छे गीत है वो चुन के रखती थी, और वो मैं भेजती थी अस्मिता को कि आप इसमें से ये गीत गाओ। तो मुझे याद है ये जो पहला गीत है जो हमने मिलके गाया है, जीवन के दाता, तो वो भी मुझे उनकी पुरानी एकदम पुरानी सी डायरी थी, उसमें से गीत लिखा हुआ मिला पुरानी स्याही से। तो वो मैंने देखा तो मैंने कहा कितना सरल है और एकदम दिल को छूता है ऐसा गीत है। तो मैंने उनसे कहा कि ये गीत बनाइए पूरा, जैसे आजकल अव्यक्तवाणी चलती है उसके आधार से आप उसमें शब्द डाल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत पुराने शब्द है, ये नहीं कोई नहीं लेता है ये गीत, ये रहने दो। तो मैंने कहा नहीं, ये बनाना ही है जरूर, क्योंकि इसके जो मुखड़ा है वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए उन्होंने वो बनाया और क्या उसका कमाल हो गया वो गीत है। वो जैसे बाबा ने ही हमसे गवाया, हमने कुछ किया ही नहीं है, बस सिर्फ दिल के उद्गार जो उन्होंने लिखे थे वो हमने दिल से गाए, जैसे बाबा को ही हम बोल रहे हैं। तो इस तरह वो गीत है वो इतना छूता है दिल को और बहुत अच्छा लगता है, जो सुनने वालों को भी वो भावना हमारी पहुंचती है। तो इसलिए सतीश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्या कितने गीत बताऊं मैं कि मेरा सारा जो ये ज्ञान का प्रवास है उसमें गीतों के कारण मेरा जीवन धन्य हो गया है। तो इसके कारण सतीश भाई निमित्त बने हैं, ऐसे ऐसे सुंदर गीत मुझे दिए हैं, और अस्मिता जैसी पुत्री मुझे शिव बाबा ने दी है कि जो जो मैं कहती हूँ वो वैसे बदल देती है गीत को, जैसे ट्यून ऐसी होनी चाहिए, यहाँ वैरायटी होनी चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए, ये सब मैं उसको बताती हूँ तो वो सब मानती है, और उसके टैलेंट तो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो उसका गीत का सोना बन जाता है। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। कितने गीत बताऊँ आपको, और भी दोनों ने मिलके जो गाए, जब मेरी आवाज साथ नहीं देने लगी, ऊंची में ऊंचा स्वर नहीं जाता था, तो मैं उसके साथ साथ गाने लगी। तो वो है वरदानी हाथ तुम्हारे, मस्तक पर सदा हमारे,
तो ये भी गीत है, ऐसे गीत। और इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए, तो इस समय तो आंखें ही भर आ जाती है। जब गीत गाते समय कभी कभी गला ही रुक जाता है, क्योंकि भावना भर आती है। और फिर मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन जो अच्छा लगा, जीवन बनाया बाबा ने, तो ये तो बड़ी खुशी का गीत है। तो भी हम जैसे छोटे बच्चे गाते हैं ना, इस तरह हमने वो गाया, तो ये अनुभव मेरा बहुत बहुत स्मरणीय है। फिर अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, इस गीत की तो हिस्ट्री बहुत वंडरफुल है गीत, क्योंकि उस समय बाबा की वाणी चली थी कि पांच स्वरूपों की ड्रिल करते जाओ। उस समय पहली बार जब बाबा ने कहा तो वो सुनी वाणी। तो फिर हम आर्ट एंड कल्चर विंग का ही कॉन्फ्रेंस था, उस समय हम उधर गए थे वहां पर ज्ञान सरोवर। तो उस समय ये गीत सतीश भाई ने मेरे पास दे दिया, मुझे इतना अच्छा लगा तो वो गीत कि मैंने कहा नहीं, ये अभी क्या अभी रिकॉर्ड करना है, क्योंकि अगर पोस्टपोन करेंगे तो कोई फायदा नहीं, ताजा ताजा हलवा मिला है बाबा का। तो इसलिए हमने कहा कि अब कलाकार कौन लाएंगे, वादक कलाकार कौन, स्टूडियो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इतनी पुरानी बात थी वो। तो इसलिए हमने मेडिटेशन हॉल जो है ज्ञान सरोवर, वहाँ रात को 9 बजे प्रभु भाई को बुलाया और उनको कहा कि रिकॉर्ड करो। और वादक कलाकार कौन थे जो आर्ट एंड कल्चर विंग के कॉन्फ्रेंस में आए थे बजाने के लिए, उनमें से ही एक तबले वाले बहुत अच्छे थे, एक हारमोनियम वाले अच्छे थे, उनको बहुत मुश्किल से उनको ले आए उधर। और उन्होंने इतना सुंदर गीत वो हमने, मैंने और अस्मिता ने मिलके उसकी धुन यमन राग में बनाई, और वो सोच सोच के एक दो के, क्योंकि वो भी यमन राग में मास्टरी उसने पाई है, क्योंकि बचपन में उन्होंने पहली बार यमन राग में गुरु के साथ वो सीख करके उसमें मास्टरी थी, इसलिए हमने वही राग चुना, लेकिन उसको लाइट रंग दे दिया क्योंकि क्लासिकल चीज नहीं होनी थी। तो इसलिए वो गीत इतना सुंदर बना कि वो जैसे सुनते थे, एकदम सिंपल गीत था, सिंपल स्टूडियो भी नहीं, हॉल में जो रिकॉर्डिंग हुई थी। तो ऐसा गीत सबको जब जब हम गाते थे या जब जब सुनते थे, तब तो सभी को एकदम अनुभव दे जाता था वो गीत। तो इसलिए बाबा ने ये कराया, और बहुत सुंदर गीत। और शुरू शुरू में मधुर वाणी के जो स्वागत के गीत होते थे, तो उस समय कोई बजाने वाले नहीं थे, और एकदम कॉन्फ्रेंसेस में जाके, छोटे छोटी कॉन्फ्रेंसेस होती थी वहां पर जाकर के गाना था। तो सतीश भाई गीत तो बहुत जल्दी बनाते थे, तो बनाकर अब उसको धुन में संवारना है, फिर बजाने के लिए भी प्रभात भाई आते थे हारमोनियम बजाने, तबले के लिए भी वहां के ही भाई को हम लेते थे। तो हम बस दोपहर बैठ के वो गीत धुन बना करके हम गा लेते थे शाम को। इस तरह सतीश भाई के गीत इतने इंस्टेंट, इतने अच्छे उत्स्फूर्त गीत है, जो भी मौका है, अभी एक मौका है, अभी दूसरा मौका है, उस विषय के गीत उनके एकदम, जैसे की भाषा हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और संस्कृत भाषा उनके सामने हाथ खड़ी होके खड़ी खड़ी है, तो इतना उनकी मास्टरी है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। फिर ओ स्नेह सागर की बात याद आई, ओ स्नेह सागर गीत जो उन्होंने बनाया, उसका उसकी धुन भी अस्मिता ने बनाई, उसके जो बीच वाला स्टैंडा था तो उसको चेंज करना चाहिए था, क्योंकि एक ही तरह से बनाना अच्छा नहीं, तो इसलिए कैसे बनाएंगे, तो उसमें भी हमने दोनों ने मिल के उसकी धुन गुनगुना के बनाई। तो वो उसने सागर गीत जो पहली बार गुलजार दादी जी ने सुना, तो उन्होंने कहा, क्योंकि उस समय स्नेह सागर की वाणी चली थी, तो उन्होंने वो सुना गीत तो इतनी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, तो कहने लगी कितना अच्छा है गीत बज रहा है। तो इस तरह दादियों के भी हमें बहुत आशीर्वाद मिले। ये आखिरी जो दिव्य मुस्कान, शुरू से जो रमेश भाई का भी हमें बहुत अच्छा साथ मिला, उषा दीदी का, तो उन्होंने पहला जो दिव्य मुस्कान, ये इसमें से गीत भी हमने सतीश भाई के ले लिए गीत, तो वो भी गीत उन्होंने सहज रीति से पास कर दिए, और ललित सोढ़ा ने उनका जो संगीत वो सजाया है। उसके बाद फिर अनेक सीरीज निकली, तो उस समय के भी मेरी बहुत सुंदर सुंदर अनुभव रहे, क्योंकि मुझे हर साल लगता था हर साल हमने कोई नई सीढ़ी बनानी है। तो इस तरह मैं बहुत प्रसन्न और धन्यवाद करती हूँ सबका, कि मुझे सभी का साथ मिला, और ये गाने में, संगीत में और योग में, ज्ञान में प्रोग्रेस करने का अवसर मिला।
थैंक यू माता जी। आज तो दयाल भाई गीतों का पूरा इतिहास सामने आ रहा है और ये आने वाले कल में बहुत काम आएगा, क्योंकि कौन सुनाएगा एक एक गीत की इतनी सारी बातें। तो हमारे ये आर्ट एंड कल्चर विंग के अंडर में ये प्रोग्राम हो रहा है और भाइयों और बहनों जितने भी भाई बहन इस वक्त है, मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी को लाइफ मेंबर बन जाना चाहिए आर्ट एंड कल्चर विंग का, क्योंकि ये बड़ी रसीली विंग है, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। और क्योंकि जब आप आर्ट एंड कल्चर विंग की सेवा में जुड़ोगे तो किसको मिलोगे, कलाकारों को मिलोगे। कलाकारों को मिलने से जीवन में रंग भी, वैसे तो हम परम कलाकार से मिले हुए हैं लेकिन ये कला भी बड़ी सुंदर होती है। तो सभी से मेरा अनुरोध होगा कि आप, बहुत अच्छी ये विंग है, सेवा का बड़ा अच्छा मार्जिन है, तो आप सभी आर्ट एंड कल्चर विंग के मेंबर बन जाइए। लाइव मेंबर बनना कोई महंगा नहीं है, बहुत अच्छा सस्ता सौदा, बाबा की सेवा के निमित्त आप बन जाएंगे। और हमारे बड़े कुसुम दीदी जी और दयाल भाई, साथ में सतीश भाई, ये सारे ही बहुत कोऑपरेटिव है, दिशा सूचन करने वाले हैं। नरेंद्र भाई भी हमारे बहुत कोऑपरेटिव है। तो सभी से, रमेश भाई, अशोक भाई, जितने भी भाई बहने माता है, सभी को फटाफट जैसे ही लॉकडाउन खुले सभी को विंग का मेंबर बनना है। दीदी जी अनुमति है ना, सबको मेंबर बना देवे ना कुसुम दीदी, बिना खुले भी बना सकते। बिल्कुल, हाँ बनाना है। अच्छा, अभी क्योंकि समय बहुत हुआ है तो मैं गोविंद भाई, क्योंकि गोविंद भाई मधुरवाणी ग्रुप में बहुत अच्छे से साथ देते हैं, निभाते हैं, गाते हैं, और क्योंकि उन्होंने तो स्पीकर वीकर सब ला के रखा है, और सतीश भाई उनकी ही ऑफिस में बैठ करके सब मिल करके, नितिन भाई सब प्रैक्टिस करते हैं, बड़े खुश मौज में रहते हैं। तो ये जो सेवाएं आप देखो, स्पीकर भी दिखा दिया, मोस्ट एक्टिव पर्सन इन ज्ञान सरोवर मैंने टाइटल दिया हुआ है हमारे गोविंद भाई को, और कोई भी समस्या है तो गोविंद भाई को मिलो, समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो गोविंद भाई आप भी अपने मन के उद्गार, आज बड़ा अच्छा मौका है ड्रामा अनुसार, तो दो शब्द आप भी सुनाए। सतीश भाई और आप सभी को सुन के तो ये लगता है कि वाह बाबा, कमाल है बाबा की और बाबा के बच्चों की। बहुत ब्रिजमोहन भाई जी का फोन आ रहा था अभी जी, कोई नहीं, पहले बात करते फिर बात करते। हम लोग कई मौके ऐसे आए कि हार्मनी हॉल में बहुत बड़ी सभा है, आधे घंटे बाद हमारा अनाउंसमेंट होना है और आधे घंटे पहले हम गीत लेके बैठते थे, इसकी धुन नहीं है कुछ पता, गीत भी ठीक करना है, टाइप भी करना है, रिहर्सल भी करनी है और जाके गाना, तो ये वंडरफुल बाबा की है। हम यहाँ पे अच्छे अच्छे गायक जब आते थे तो उनको कहते थे कि भाई एक गीत साथ में गाना है, आप गाएंगे? तो वो बोलते थे कब गाना है, तो हम लोग बोलते थे बस एक घंटे बाद गाना है, बोलते भाई साहब मेरे को माफ कर दो, मुझे दो दिन या तीन दिन लगेंगे, पहले मुझे दीजिए गिफ्ट। तो बड़ा मुझे ये हमेशा लगता है कि सतीश भाई के पीछे बाबा का ही हाथ है, बाबा ही कराता है। हम तो, मैं क्या बताऊं, हम तो कैसे भागते हुए कैसे जाते हैं, कैसे गाते हैं, कैसे तालियां मिलती हैं, और बस ये एक जैसे जीवन से जुड़ गया। और मुझे सतीश भाई का यही एक रहता है कि जैसे चरा बहती चलते चलो करते चलो करते चलो, मैं इनका धीरज, हाँ मना मना चलते चलो नहीं नहीं संस्कृति। तो कहने का भाव ये है कि, और इनकी अपनी जो निर्माणता है, मैं तो कई बार मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि सतीश भाई बापरे, मैं तो आप इतनी सहनशीलता, निर्माणता और सबको साथ लेके चलना, बहुत सारी विशेषता सतीश भाई में है और जिसके आधार पे उन्होंने इतने सालों से लगातार, और सतीश भाई को लेके दयाल भाई चलते हैं दयाल तो बहुत वंडरफुल है, और बहुत सीखा है सतीश भाई से, और ये बहुत, मैं तो ऐसा कहता हूँ ये पूरी टीम बहुत अच्छी है। हेमंत आचार्य जी की भी मेहनत मैंने देखी है, उन्होंने बहुत सारे मौकों पे इतनी तबीयत खराब होते हुए, इतना अपना, उनकी अपनी बहुत बड़ी जॉब है, एक ऑफिसर के रूप में वो है ओरिएंटल में, उसके बावजूद अच्छा हेल्थ का कॉन्सियस होते भी मैंने, उन्होंने मुझे मान दिया, मेरी बात रखी, और हमेशा उन्होंने समय जो दिया
वो वंडरफुल है, मैं उनको दिल से उनके स्वास्थ्य के प्रति और उनको दिल से दुआएं भी देता हूँ। दिल इधर है, इधर कहने का मतलब है कि सभी ने माना जो, और मिनेश भाई भी कई मौकों पे साथ रहे, तो बड़ा उमंग है। और मैं तो अभी सरोजनी माता जी और अस्मिता बहन, मैं तो वंडर खा रहा हूँ कि रियली कमाल है बाबा की। और सबको देख के सुन के तो गदगद हो रहा है मन कि बाबा कितना सूक्ष्म कार्य करा रहा है कि आत्मा को तैयार करके। और सतीश जी बहुत भाग्यशाली हैं, उन्होंने कहा तुलसीदास कहा किसी ने उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर, मैं कई बार इनको कहता हूँ कलयुग के व्यास, जैसे कहते हैं ना कि व्यास ने महाभारत और कई महाग्रंथ लिखे, तो बहुत अच्छा। सतीश भाई क्या है ना, बैठेंगे ना हमें बैठने देंगे वो मुझे पता है, और इसलिए उन्होंने हमें इस धारा से पहले हम जुड़े हुए थे, बट उन्होंने फिर से ज्ञान सरोवर में आके लंबे समय तक हम इन चीजों से दूर रहे। लेकिन कल्चरल विंग की मैगजीन भी बनाना होता था दयाल भाई, मुझे कई बार हंसी आती, मैं दयाल भाई सतीश भाई कहते ना बाहर आप जाते हो तो मुझे लेके नहीं जाते हो, और जब साल मैंने इनकी मैगजीन बनाई आर्ट एंड कल्चर की तो फोटो लेके आते थे बड़े अच्छे अच्छे, मेरे को ले नहीं जाते थे, बस बोलते थे मैगजीन बनाओ और फोटो डालो। मैं हंसी में कहता था मेरे को लेके कभी नहीं जाते हो, बस खाली जब देखो तो बस दो महीने के बाद मैगजीन बनानी है रेडी पहुंच जाते बाबा। और मैं कहता हूँ की दयाल भाई 21 इयर्स ऑलवेज हमारे ज्ञान सरोवर की सबसे यंग पर्सनालिटी, सबसे यंग दयाल भाई। थैंक यू, दुनियावी शब्द यूज करो स्मार्ट, स्मार्ट ज्ञान सरोवर की सबसे स्मार्ट पर्सनालिटी दयाल भाई, यू आर टू स्मार्ट। ओके थैंक यू गोविंद भाई, थैंक यू। अच्छा भाई समय बहुत हो गया है और थोड़ा सा अभी प्रोग्राम बाकी रहा है, लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमें शिव बाबा के साथ साथ कुसुम दीदी का करना चाहिए, क्योंकि तबीयत नादुरुस्त होने के बावजूद 2 घंटे प्रोग्राम चला है और वो एक टिक से बैठे रहे हैं, और आपकी हाजिरी इस सभा की शोभा को बढ़ा रही है, इसलिए मुझे थोड़ा अभी जल्दी है क्योंकि दीदी 2 घंटे से बैठे हैं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। अभी बीच में एक छोटी सी फरमाइश आई है सतीश भाई, और आधे मिनट में आप पूरी कर दे। आप जब 18 जनवरी का वो संगीत वो गाना आप तैयार कर रहे थे तो मेरे साथ एक कुमार आया था और उसने अभी मुझे एक फरमाइश भेजी है कि ये पवन तू धीरे चल यहाँ पर है शांति दूत, वो एक या दो लाइन आप प्लीज सुना दीजिए तो उसके दिल रह जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दयाल भाई फिर आप शुभेच्छा के 2 बोल बोलेंगे, लेकिन पहले सतीश भाई आप 2 शब्द सुना दे, थोड़ा हम जल्दी अब पूरा करेंगे। जी बातें तो और भी थी, और इस यात्रा में सबका जो योगदान रहा और जो गीत रहे, कोई पूछते हैं आपके गाने कौन से अच्छे लगते हैं, तो मैं भी यही कहता हूँ कि क्या बताऊँ कि कौन से गाने अच्छे लगते हैं, एक से एक बढ़कर के हैं। लेकिन अभी भी मुझे रोज रोज बाबा की बड़ी अच्छी टचिंग मिलती है। मिनेश भाई मैं सच कहता हूँ कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ज्ञान बाबा का इतना गहरा है और योग की जो गहराइयां हैं और जो ईश्वरीय परिवार का जो प्रेम है और जो बाबा ने काम दिया है कि सारे विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष करो, उसके लिए क्या होना चाहिए, तो मैं एक बहुत बड़ा विशाल समंदर सामने दिखाई पड़ता है। और मैं यही कहता हूं अगर कोई कहता है कि आपका सबसे अच्छा गाना क्या है, तो मैं कहता हूं कि अभी वो गाना अभी वो बनाना बाकी है, अभी वो आएगा आने वाले दिनों में आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हर रोज नई नई फीलिंग आ रही है कि अभी नेपथ्य में भविष्य के गर्भ में इतना ढेर सारे गाने हैं कि वो आगे आएंगे और उसको सारा संसार गुनगुनाएगा, बाबा प्रत्यक्ष होगा, नई दुनिया हम ला करके रहेंगे, बाबा के बोल बाबा की शिक्षाएं हमें बराबर याद है। इस मौके पर मैं बाबा को देख रहा हूँ कि बाबा हमारी बातों को सुन रहा है और बाबा तस्दीक भी कर रहा है। मैं बाबा से क्षमा भी मांग रहा हूँ कि बाबा महिमा हो रही है, कहीं गलती से इसको मैं स्वीकार न करूं, क्योंकि बाबा ये सब देन आपकी है, आपने किस तरह से अपना बनाया और एक नाचीज को एक जो अनुकंपा की है अकिंचन पर, उसकी मैं बाबा मैं कैसे कहूँ प्यारे बाबा कि आपने कहाँ से कहाँ पहुंचाया, कैसे लेकर के जा रहे हैं, कैसे इतना यात्रा इतना एक बड़ा काम इतना सरलता से कर लेते हैं, इतने भाई बहनों का प्यार दिलाते हैं,
सेवाएं कहाँ पहुंच रही हैं इसको कहते हुए बड़ा वो होता है। मैं क्या बताऊं, ये सब चीजें हमारी कुसुम दीदी और उषा बहन, रमेश भाई, हमारे विंग्स के सारे भाई बहनें जो ही दूर तक मुझे आज अपना आशीष दे रहे हैं, मैं धन्य धन्य हूँ। और मैं चाहूंगा, मैं हृदय से कहूंगा कि वो स्वस्थ रहें, सलामत रहें, आगे बढ़ते रहें और मुझे भी अपना आशीष देते रहें। मेरे अपना हाथ यहाँ रख दें, कुसुम दीदी मेरा हाथ रख दीजिए ना, मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए, कितना अच्छा हो जाए। वाह, थैंक यू थैंक यू। ये बहुत प्यार मिला है और तमाम गीत हैं। मुझे वो जो भाई ने कहा है अभी समय मौके पर जस्ट याद नहीं आ रहा है, ए पवन तू धीरे चल यहाँ पर है शांति जी, 18 जनवरी के गीत का जो इन दोनों में बराबर जिक्र होता है और जो बहुत सारे लोग जानते हैं, जिसको सुनते हुए बाबा की याद के आंख में आंसू आ जाते हैं। साकार में मिलन का प्यारा सा वो नजारा, अव्यक्त में दोबारा आपको दिखा रहे हो, वो गीत तो बहुत अच्छे अच्छे अनमोल गीत हैं। फिर कभी वक्त मिला फिर कभी सुनाऊंगा, कहिए तो ये दो गाना ये लाइन सुना देता हूँ जी, यही चीज सुनाऊं जी। साकार में मिलन का साकार, आप सभी 18 जनवरी के दिन है बाबा के पास है, आ जाइए, जैसे कि बाबा के आगे सब सुन रहे हैं वो दृश्य सामने आते हैं। साकार में मिलन का प्यारा सा वो नजारा, अव्यक्त में दोबारा हमको दिखा रहे हो, पहले तो थे बुलाते मधुबन में, अब वतन में करके हमें इशारा, फिर से बुला रहे हो, कमरा ही तो है बदला, कपड़ा ही तो है बदला, बाकी वही है सारा, बाबा सुना रहे हो, आखिर तलक रहेंगे बच्चों के साथ हर पल, वादा वो प्यारा प्यारा अभी निभा रहे हो, जिस राह पर स्वयं तुम बाबा बढ़े चले थे, उसी राह पर हमें भी बाबा चला रहे हो, बनकर विदेही बाबा बैठे वतन में, जाकर आकर वतन से खुद सा हमको बना रहे हो, साकार संग वाले प्यारे से दिन निराले, आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना, वो दिन सुहेज वाले, वो दिन सुहेज वाले, हाथों से वो खिलाना, आंखों में वो समाना, गोदी में वो बिठाना, कह कर के बच्चे बच्चे बड़े प्यार से उठाना, वो सैर का कराना, आगे को बढ़ते जाना, बट वृक्ष के तले तक देने विदाई जाना, रुमाल का हिलाना, आँखों में आँसू लाना, वो लाल अक्षरों की, वो लाल अक्षरों की खत याद है अभी भी, वो दिन साकार वाले भूलेंगे ना कभी भी, ये प्यार भी न कम है
हर आंख भले ही नम है वो प्यार दादियों से अभी दिला रहे हो, मालूम हमको आंसू, मालूम हमको आंसू, आंसू नहीं ये मोती, इन मोतियों को चुन चुन माला बना रहे। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। अभी दयाल भाई आप दो शब्द शुभेच्छा के रखे, और फिर नरेंद्र भाई को भी अनुरोध करना चाहूंगा, दयाल भाई के बाद आप भी दो शब्द कुछ कहे। दयाल भाई। ओम शांति। मैं तो बैठा हूँ आस लगाए कि हेमंत भाई कुछ सुनाए। हम अभी बोलने वाले थे कि इतने बड़े हमारे भाई जी बैठे हैं, अब मैं क्या बताऊं, जो भी अभी हेमंत भाई बताएंगे समझो मैंने बता दिया। अच्छा, हेमंत भाई बता चुके हैं पहले, और गाना अभी अस्मिता बहन जी से भी गीत के माध्यम से जो लाइन देखो भाई और बहनों, ये जो विंग है देख रहे होंगे आप, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ एक दूसरों को आगे बढ़ाने का सिस्टम है, यहाँ पर कैरिंग है, शेयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, और इसलिए मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप लॉकडाउन खुलते ही इस विंग के मेंबर जरूर बने और जिंदगी में और रंग। लॉकडाउन टूटने का इंतजार न करें, ऑनलाइन बन सकते हैं भाई। भाई ऐसा करूंगा तो लोग समझेंगे प्रोग्राम इसीलिए किया जा रहा है, इसका मकसद नहीं था कि आप हेमंत भाई मधुर रागिनी सा। हाँ जी, मधुर नहीं, हेमंत भाई से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मधुर रागिनी सा। हेमंत भाई मधुर, अनम्यूट कर, एक मिनट लगेगा। अस्मिता बहन नहीं, वो तो आप अगर एक लाइन सुनाओ तो मुझे बहुत अच्छा है। मैं या हम अगर आप एक लाइन में गाता हूँ फिर आप सुनाएं तो मुझे बहुत। हेमंत भाई प्रोग्राम पूरा अस्मिता बहन के गीत से ही होना है, इसलिए उनको थोड़ा रिजर्व रखे। अच्छा। वो पूरा मेडिटेशन करेंगे, वो गीत गाएंगे और ओम शांति करेंगे, इसलिए दो लाइन आप ही गा लो जो अभी हमारे बड़े भाई साहब ने व्यक्त की है। ओके, तो एक लाइन से मधुर रागिनी और एक लाइन तुमको निहार, मैं दो मिनट में कंक्लूड कर दूंगा, है ना। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, परम पावन तेरा प्यार बाबा, मेरा तेरा प्यार बाबा, शीतल समय जैसा है फिर मुझे अस्मिता बहन को सुनना है, तो तुमको निहारने को दो लाइन से गाता हूँ। तुमको निहारने को दिल चाहता है, तुमको
भावने को चाहता है, मन उतारने को चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो ही पुकारने को दिल चाहता है, तुमको निहारने को चाहता है। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नरेंद्र भाई, हाँ, के दो बोल आप भी सभा के सामने रखे। नरेंद्र भाई, हाँ, ओम शांति। ओम शांति। मिनेश भाई ने टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज किया है, और हम दयाल भाई को, सतीश भाई को मिलना चाहते थे, बहुत दिन हुए। दयाल भाई को मिलने के बाद उमंग ऐसे ही आ जाता है, तो आपने मिला दिया सबको। बहुत लोगों को मैंने देखा है यहाँ, चेंज चेंज करके अच्छे लोग मिले हैं, और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपने जो बुलाया सबको, बहुत दुआ मिली। इतना अच्छा हेमंत भाई ने अभी गीत सुनाया, हम तो ऊपर ही चले गए। दीदी भी पांचवे बैठे हुए हैं जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने और आपने और दयाल भाई ने मिलकर के इस प्रोग्राम को अनुमति दी, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी आप भी सभा में दो शब्द आपके रखे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपने ये जो प्रोग्राम अरेंज किया। एक मिनट नरेंद्र भाई, वो दूसरा वाला आप बंद कर दीजिए, तो दीदी जो बोल रहे हैं नहीं आएगा। Okay. इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं देख रही हूँ सभी जगह से कल्चरल विंग से जुड़े हुए भाई बहनों को बहुत खुशी हो रही है। हमारी अस्मिता बहन दिखाई दी, सरोजनी बहन दिखाई दे रही है, उन्होंने अपने विचार भी रखे, गोविंद भाई ने अपने विचार रखे, और सभी बड़े प्रेम से और अपना समय देकर के सुन रहे हैं। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये लॉकडाउन का समय भी हमने वेस्ट नहीं किया, इसका भी फायदा उठा रही है कल्चरल भी, ये देख करके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। आप सभी ने जो ये प्रोग्राम गीतों के बारे में और हमारे सतीश भाई के बारे में अरेंज किया है, कमाल तो है। वो तो बाबा की है, बाबा हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई विशेषता भरता है, और वो विशेषता जब वो बच्चा यूज करता है तो वो विशेषता से पूर्ण बन जाता है और सबके दिलों पर छा जाता है। तो उसमें से हमारे एक सतीश भाई है जिन्होंने इतने सारे गीतों की रचना की और इतने सारे गायक गायिकाओं ने गाया, और हेमंत भाई जैसे संगीतकारों ने संगीत दिया, तो ये भी एक यज्ञ का बहुत बड़ा लक है। और सतीश भाई इन बातों में तो बहुत महीम है, कोई हाथ पकड़ नहीं सकता है उसका। इसीलिए मैं अपनी तरफ से दिल से हमारे प्यारे सतीश भाई को बहुत 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 दुआएं देती हूँ, और भी आगे बढ़े, बढ़ते ही रहे, और अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाते चले, क्योंकि जो भी हमारे अंदर विशेषता भरी है बाबा ने, वो विशेषता हम जितने कार्य में लगाते हैं, यूज करते हैं, उतना वो बच्चा विशेष आत्मा बनते जाते। जैसे बाबा ने एक वाणी में मिसाल भी दिया था कि बच्चे जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, उनको तो सारे बीमारियों की नॉलेज होती है, लेकिन कोई एक विशेष इसमें वो सर्जन बन जाते हैं, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो वैसे ही आप बच्चे भी कोई ना कोई एक विशेषता में स्पेशलिस्ट बन जाओ, तो सभी गुण आपके अंदर अपने आप ही आ जाएंगे। तो मुझे सतीश भाई को देखते हुए ये याद आ गया कि इस बच्चे ने अपनी इतनी बड़ी कला, इतनी बड़ी विशेषता प्यारे बाबा के कार्य में लगाई, आज कितने आत्माओं के दिलों पर छा गए हैं। सभी आत्माओं की दुआएं ये आत्मा ले रही है, और है भी बड़े सरल नम्र
अपने आप को हमेशा छोटे समझ के चलते हैं, जो भी बोलना है बड़े प्यार से बात करते हैं सभी बहनों के साथ, सभी भाइयों के साथ, और जो भी बातें करेंगे तो ऐसे बस ज्ञानयुक्त बातें रहेगी, कोई भी इधर उधर की बात नहीं रहेगी, ये उनकी खास खूबी है। और इसीलिए बाबा उनके माइंड को सदा क्लियर लगता है, और क्लियर होने के कारण उनको हर गीतों की रचना टच हो जाती है, और जो भी अमृत वेले गीत लिखते हैं उसमें तो जरूर बाबा की वरदानी शब्द आएंगी, क्योंकि वरदाता उस घड़ी तो वरदान खोल करके बैठता है अपने बच्चों के लिए, तो बच्चों को जो भी चाहिए वो उसको बराबर मिल जाता है। तो इसीलिए सतीश भाई को मेरी तरफ से बहुत 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 दुआएं और बहुत बहुत शुभ भावना शुभकामनाएं। आज आपके कारण ये प्रोग्राम रखा गया, बहुत आनंद आ रहा है हम सभी को, मुझे भी बहुत आनंद आया, इसलिए मैं इतना समय बैठी हूँ, पूरा सुन रही हूँ। और हमारे मिनेश भाई को तो सभी की दुआएं मिल जाएगी, जितनी भी आत्माओं को इकट्ठा किया है ऑनलाइन पर, और सभी आराम से बैठे हैं, आराम से सुन रहे हैं, सभी उसका लाभ उठा रहे हैं, इसलिए मेरी तरफ से सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं शुभ भावनाएं। हमारे हेमंत भाई को उन्होंने भी अपना समय दिया है, इसीलिए प्यार भरी याद हमारी हेमंत भाई स्वीकार करो, बहुत अच्छा मौका दिया आप हमारे साथ मिले, अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। हमारी अस्मिता बहन, उसको भी बहुत दिनों के बाद मैंने देखा तो मुझे उसकी भी बहुत खुशी हुई, बहुत बड़ा आपका भी योगदान रहा है गीतों के अंदर, इसलिए अस्मिता बहन हमारी तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत शुक्रिया है। हमारी रजनी बहन सरोजनी बहन, वो तो हमारी बहुत पुरानी बहन है, बहुत पुराना संबंध है, और बाबा के मराठी में भी उन्होंने गीत गाए हुए हैं, अस्मिता ने भी गाए बाबा के गीत और सरोजनी बहन ने भी गाए, इसलिए सरोजनी बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साफ सभी जो भी सभा में उपस्थित है सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दला दयाल भाई क्या छुपे रहते हैं, दो शब्द भी नहीं बराबर बोले हैं, गीत सुनने को बोल दिया है। अरे भाई हम सुन रहे थे कि दया भाई की कोई दो बोल तो सुनने को मिले, तो दो बोल तो बोलने चाहिए, इस बार ने तो आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, ये तो मिले ही नहीं इतने दिन से, सिर्फ फोन पर बात करते हैं, चेहरा तो नजर ही नहीं आता है। अभी चेहरा कैसे भी दिखाई दे तो दो कम से कम दो शब्द तो बोलते थे, और चेहरा भी देखने लायक रखा है, बूढ़े बाबा बन गए सन्यासी बनने चले गया। नरेंद्र भाई आपकी मजाक उड़ा रहे हैं, दीदी दीदी वो लेट उनको का समय थोड़ा वो आराम से तैयार होते तो उठ के आए हैं जल्दी जल्दी। कोई बात नहीं, लेकिन दर्शन तो हो गया, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो भाई सभी खुश रहो, ऐसे ही सदा मस्ती में मस्त रहो प्यारे बाबा की याद में, और हम सबके आप सभी को दुआएं हैं। मिनेश भाई ऐसे ही बीच बीच में प्रोग्राम करते रहो तो हमारे से सब मिलते रहेंगे। जी दीदी बस आप बड़ों की दुआएं हैं तो जरूर होता रहेगा, आपको तो दुआएं बहुत हैं, अभी तो बहुत दुआएं मिल गई, कितनी आत्मा को इकट्ठा किया, बस तो सब कार्य हुआ पड़ा। मेरा तो एक लक्ष्य है कि इस सभा में जितने हैं सभी को पहले मैं विंग का मेंबर बनाऊं और एक एक कलाकार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये मेरा लक्ष्य कब से बन रहा है और सभी को पकड़ पकड़ के मैं बनाने वाला हूँ भाई, भागना मत, ठीक है। तो लेकिन आपने जो बात कही हमारा धन्यवाद अदा किया, लेकिन वास्तव में इसके हकदार हम नहीं है, इसके हकदार हमारी चंपा बहन और डॉक्टर साहब है, इस सभा में वो शामिल है क्योंकि उन्होंने ही मुझ आतम पंछी को इतनी उड़ान भरने की छुट्टी दी है, और उनकी छुट्टी की बदौलत ही ये सारा कार्यक्रम आज दिन रात ये हमारा जो चलता है, हर रोज पूरे विदेश को हम कवर कर रहे हैं, ये आप दोनों की बदौलत है। जो भी सेवा का कोई हम प्रोजेक्ट या संकल्प रखते हैं तो आप हमें अनुमति देते हैं, इसलिए सारा जो यश कलमल कहे या सहरा कहे वो आप दोनों के सिर पर है। और मैं अस्मिता बेन को पूछना चाहूंगा, अस्मिता बेन आप क्या हमारे डॉक्टर जैन भाई और चंबा बेन जी को जानते हैं? अस्मिता बेन चंबा बेन मैं तो अस्मिता बेन को अस्मिता बेन अस्मिता बेन को हम जानते हैं क्योंकि बचपन से माता जी और वो गीत गाते थे तो हम जानते हैं, अस्मिता बहन नहीं जानती। आप तो जानते हो, इसलिए तो एक बार मिली है वो अपना जो सीता माता की बेटी के साथ, आप कलकत्ता में रहते हो तो मैं हम आपको मिले थे जब दादी जी का 100 साल पूरा हुआ तब मिले हैं,
बाकी आपको देखा बहुत है, आपका गीत भी बहुत सुना है, और आपके गीत से योग लग जाता है, क्योंकि और भले कलाकार बहुत है लेकिन जो योग में रहकर गीत गाता है वो दिल को लग जाता है। और मैं वो बात सुनाना, मेरे को टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम लेगी इस बार, मैं वो बात सुनाना चाहूंगी कि अब बाबा के गीतों का सफर तो सब सतीश भाई ने और आप सब ने सुनाया, लेकिन हम जब ज्ञान में आए 68 में तो एक ही गीत बना था, उसके बाद हमने देखा हमने पाया शिव बोला, लेकिन उसके पहले ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर गीत बजता था, वो फिर मैं उसकी डिटेल में नहीं जाती हूँ कि भोग के टाइम कौन सा गीत बजता था, लेकिन एक गीत पिक्चर का वो अविनाश व्यास ने लिखा था, दुनिया रंग रंगीली बाबा दुनिया रंग रंगी, हाँ जी, तो वो बाबा ने, बाबा उस टाइम बताते थे कि मैं टच करता हूँ इनको गीत बनाने के लिए, तो क्या हुआ वो गीत जिस पिक्चर में रखना था, ये रमेश भाई ने बात बताई हुई है कि वहां फिट ही नहीं हो रहा था, तो वो जो पिक्चर वाले बनाने वाले बोलते ये गीत तो तुम्हारा फिट नहीं हो रहा है, ये इसमें नहीं होगा, फिर भी वो गीत कैसे भी करके उसने उसमें रखा, और फिर जब अव्यक्त बाबा अव्यक्त हुए और उसके बाद अविनाश व्यास जब मिले तो उन्होंने जिक्र किया कि हाँ ये गीत मेरे को, मैं 4 बजे उठ गया और मैंने 4 बजे उठ कर ये गीत लिखा है दुनिया रंग रंगीली बाबा, और उस टाइम आप कोई को याद है तो पूना के गोविंद भाई थे, आप जानते हो, कौन जानता है पूना के गोविंद भाई, वो सभा में डांस करके वो गीत गाते थे दादियों के, मतलब गीत तो रिकॉर्ड में बजता था लेकिन वो भाई बहुत डांस करते थे, तो बाबा ने अभी तो बाबा के बच्चों को टच करके गीत बनाया, लेकिन जब बच्चे ने गीत नहीं बनाया था तब पिक्चर वालों ने को भी बाबा ने गीत टच करके बनाया है, तो पहला गीत बाबा ने बनाया था, सबसे पहले गीत किसने बनाया, शिव बाबा ने बनाया, उसकी सारी हिस्ट्री भी है आप लोगों ने सुनी होगी, तो सबसे बड़ा आर्ट एंड कल्चर विंग का लीडर तो है शिव बाबा है नहीं कुसुम बेन, ऐसा है क्योंकि इसीलिए दुआएं आर्ट और कल्चर विंग को बहुत मिल और आर्ट और विंग को आगे बढ़ाना है ना, आर्ट और कल्चर विंग आप सभी मददगार हैं, जिम्मेवारी है आप सबके ऊपर, सब मिल करके विंग को आगे बढ़ाना है, बड़े बड़े कलाकार को लाना है, उनकी भी सेवा करनी है, तो आज आर्ट एंड कल्चर विंग में बड़ा त्रिवेणी संगम हुआ, एक तो गीत बनाने वाले, फिर गीत को सुर देने वाले और फिर गीत को संगीत देने वाले, ये तीनों का सुंदर मिलन आज यहाँ हुआ है, जिसके कारण ही ये गीत जो है हमको उड़ान देता है, क्योंकि तीनों का संगम बहुत जरूरी है, आर्ट एंड कल्चर विंग माना ये श्रेष्ठ संगम, आज ये संगम तो मशहूर हो गई है, छोटी बच्ची थी मम्मी के साथ आती थी ये भी हमने देखा है, और वो अब धीरे 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 कितना विशाल रूप सुर का बनाया, कितनी सुंदर आवाज से सारे विश्व में इनके गीत एकदम ख्याति में आ गए हैं, उसका कारण भी मैं समझता हूँ उनकी श्रेष्ठ अवस्था है, निर्माणता है, स्नेह है, कितना अच्छी तरह जब गाते हैं, क्योंकि आवाज का भी महत्व बहुत है, जिस भाव से गाते हैं जिस रूप से गाते हैं उससे सहज योग लग जाता है, तो आप सब त्रिवेणी संगम वाले सब का इसमें मदद है, जो हम सब को आर्ट एंड कल्चर विंग के प्यार में डुबो देता है, तो इसीलिए आप सबको, आप सब कुसुम बेन है, नरेंद्र भाई, दयाल भाई, गोविंद भाई, सतीश भाई, सतीश भाई तो मुख्य है, सरोजिनी बेन माता और सुष्मिता बेन, हेमंत भाई और रमेश भाई, सबका बहुत 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 धन्यवाद, और त्रिवेणी संगम के साथ
एक चौथा संगम भी बताया वो है हम सब बाबा के बच्चे, ऐसे इन सब का मिलकर ये सुंदर प्रोग्राम हुआ जहां टाइम भी पीछे पड़ गया, टाइम भी पीछे रह गया, टाइम ने को भी सलाम देनी पड़ी हम सबको, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मिनेश भाई जो इंटीग्रेटर है, तो उनका उमंग उत्साह बहुत जबरदस्त है जिसके कारण आप महान आत्माओं को यहाँ हाजिर होना पड़ा, तो इसीलिए ये भी धन्यवाद के पात्र है। उनके पीछे है हेमानी बेन, उसको नहीं भूलना, हेमानी बेन रात दिन मदद करती है, सारा घर भी जगाती है और मदद भी करती है, तो इसीलिए उनका तो सबसे बड़ा आभार या धन्यवाद हम आप सब की वत्ती से कर रहा हूँ। अच्छा टाइम तो बहुत चला गया है, बहुत खुशी हुई आप सबको मिलकर, बहुत बहुत खुशी और धन्यवाद, और ये हमारी ये विंग आगे बढ़ती चले सारे विश्व में वो सेवा करे, यही हमारी शुभेच्छा है। ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू चंपा बहन। दीदी आज तो प्रोग्राम बड़ा सफल हुआ है, और वो इसलिए कि जितना समय चंपा बहन ने आज बोला चंपा बहन एकदम सार रूप में पूरा करती है, लेकिन आज तो बड़े दिल से, तो आर्ट एंड कल्चर विंग का ये प्रोग्राम बड़ा सफल, मैं इस रीति से भी मानता हूँ। और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी अस्मिता बहन जी गाना एक सुनावे, और उस गाने की पूर्णाहुति तक हम सब बैठेंगे और उसमें मेडिटेशन करेंगे और फिर पूरा करेंगे। और अस्मिता बहन जी मैंने आपको गीत सजेस्ट किया था, लेकिन अभी मेरा दिल ये कहता है आपको जो अच्छा लगे वो आप गाइए, मैं क्यों बंधू आपको, आपकी चॉइस का गाना आप सुनाए और सब तब तक बैठेंगे। बाकी इस वक्त भी अभी तक 50 भाई बहने बैठे हुए हैं, उन सभी को बहुत 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 नाम सहित मुबारक है। अच्छा अस्मिता बहन, सतीश भाई जी को तो साकार मुरली में भी बाबा ने याद किया है, बाबा ने कई बार कहा है मुरली में कि आगे चलकर गीत बनाने वाले आएंगे अच्छे अच्छे, और ज्यादा करके भाई अच्छा गीत बनाते हैं, तो ये गीत जो उनका बनाया हुआ है, वैसे तो जैसे कहते हैं ना कि बाबा और हमारी दादियां जो विशेष आत्माएं होती हैं उनकी निशानी होती है कि सबको लगता है कि ये हमारे हैं अपने हैं, ऐसे सतीश भाई ने एक गीत ऐसा लिखा है कि जिस गीत के लिए सब कहते हैं ये हमारा गीत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, सभी क्लेम करते हैं हमारा गीत है, और वो ये गीत है, ये मत कहो खुदा से, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कभी कोई चढ़ा है, लाएगी रंग में आखिर तुम्हारे एक दिन, होगा विशाल तरुवर वो बीज जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा बाबा बड़ा है।
ओम शांति।